क्या आप खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, दूसरों से मिलते ही उनकी पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं, तो आज की बुक समरी को गौर से सुने। इसे सुनने के बाद आप वो पर्सनालिटी अचीव कर सकते हैं जो आप अक्सर इमेजिन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और मैं लेकर आई हूं पर्सनालिटी प्लस की ऑडियो हिंदी बुक समरी। इसे लिखा है फ्लोरेंस लिटावो ने। इस बुक में बताया गया है कि दुनिया में चार बेसिक नेचर के लोग पाए जाते हैं, सैंग्विन, मेलेंकली, कॉलरिक और फ्लेगमैटिक, यानी आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़ा और सुस्त। आगे आप इस बुक समरी में इनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, फिर आपको खुद अपनी पर्सनालिटी को समझने में हेल्प मिलेगी, फिर आप उसमें कुछ इजीली प्लस कर सकते हैं और खुद को अपनी मनचाही पर्सनालिटी में ढाल सकते हैं, दूसरी पर्सनालिटी के साथ की तालमेल बना सकते हैं। इस बुक में ऑथर आपको पर्सनालिटी प्रोफाइल सिस्टम पर्सनालिटी प्लस से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये एक इफेक्टिव सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको खुद को और दूसरों को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करती है, साथ ही प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करती है। फ्लोरेंस लिटावो एक क्रिश्चियन सेल्फ हेल्प ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो पर्सनालिटी प्लस पर्सनालिटी सिस्टम पर बेस्ड अपनी बुक्स के लिए जानी जाती हैं। वो विमेन इवेंट्स और कॉर्पोरेट सेमिनार्स में बोलती हैं। वो 30 से ज्यादा बुक्स लिख चुकी हैं। हर पर्सनालिटी टाइप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के सेट के साथ आती हैं। इस बुक में आपको पर्सनालिटी टेस्ट भी बताया गया है, यानी आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी की जांच कैसे करनी चाहिए जिससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें और दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड कर सकें। जब आप अपनी पर्सनालिटी टाइप को समझ लेते हैं ना, तो दुनिया की सभी तरह के लोगों के साथ मिलना आसान हो जाता है। फिर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। दुनिया का हर इंसान एक शानदार पर्सनालिटी चाहता है ना। हम सभी फैंटेसी आइलैंड पर अपनी पिक्चर देखते हैं, जहां रिंग बजते ही हम वंडरफुल पर्सनालिटी, अडोरेबल ड्रेस्ड वाले एलीट पर्सन में चेंज हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है जिसमें हम हीरो होते हैं। जब फिल्म खत्म हो जाती है तो हम अपने दिमाग की स्क्रीन को टर्न ऑफ कर देते हैं, फिर अपने ओल्ड स्टाइल में हम जीने लगते हैं। फिर ऐसे ही करते करते जब हम अपनी इस लाइफ का कुछ वक्त बिता देते हैं तो हम खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर केसेस में हम किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंसानों को अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये सबसे सिंपल और इजी तरीका लगता है। हम सब उनकी तरफ भागने लगते हैं जो हमें ज्यादा पावरफुल बनाकर साधारण से महान बनाने का दावा करते हैं। हम ऐसे ही बहुत से मिरेकल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन बाद में हम डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाते हैं। हम एक्साइटिंग पर्सन के सांचे में फिट नहीं बैठते, हमें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती, हम बेंचमार्क के क्राइटेरिया को नहीं मानते। हम सब डिफरेंट मोटिवेशनल एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। आप इस बात को दिमाग में रख लें कि हर इंसान यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर हम सब बॉक्स में रखे एग्स की तरह होते ना, तो कोई भी बड़ी मुर्गी हमें ओवरनाइट मुर्गे में तब्दील कर सकती है। लेकिन हम सभी डिफरेंट हैं, हम सभी अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ पैदा हुए हैं। कोई मैजिक फॉर्मूला हम सभी के लिए मिरेकल नहीं कर सकता। जब तक हम खुद के लिए मिरेकल नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अपनी यूनिकनेस को पहचानना होगा। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि लोग एक ही सेमिनार में एक ही स्पीकर की बात सुनकर डिफरेंट सक्सेस कैसे अचीव कर लेते हैं, तब तक हमें उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करती हैं। हमें चीजों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुद को पहले अच्छे से जानना होगा। राइटर का इस बुक को लिखने का पर्पस भी यही है कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दूसरों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माइकल एंजेलो डेविड किसी स्टैच्यू को बनाने से पहले मार्बल चुनने में बहुत वक्त लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी से ही स्टैच्यू में ब्यूटी आती है। उन्हें ये बात मालूम थी कि वो मार्बल का शेप तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल थिंग्स कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आज उनका बनाया हर आर्टवर्क यूनिक है। इसलिए आपको खुद के अंदर के रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी आप खुद को अच्छे से तराश सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सब यूनिक हैं। हमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से अलग करती हैं। हालांकि आपको शुरू से ही तराशने की कोशिश की जाती है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से आपको तराशते हैं, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके टीचर्स हों। यही कारण है कि आप सही ढंग की पर्सनालिटी को बिल्ड करने से चूक जाते हैं। हम सभी अपने कैरेक्टरिस्टिक नेचर के साथ पैदा हुए हैं, वही हमारा रॉ मटेरियल है। आप उसे यूनिक रॉक, ग्रेनाइट, मार्बल कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम उन्हीं का यूज करके खुद की पर्सनालिटी को सही शेप दे सकते हैं। हमारी सर्कमस्टांसेस, IQ, नेशनैलिटी, एनवायरमेंट और पेरेंट्स का इफेक्ट हमारी पर्सनालिटी को ढाल सकता है, लेकिन हमारी इनर रॉक वही रहती है जिसे हमें खुद से तराशना होता है। ये बुक आपको ईजी लैंग्वेज में साइकोलॉजी के लेसन को सिखाती है, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को चेक कर सकें और ये सीख सकें कि किस तरह अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाया जाए। तो आइए इसी के साथ अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और खुद को जानने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं जान पाएंगे ना, और इस दुनिया में एक कॉमन जिंदगी जीते हुए रह जाएंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम किस चीज के बने हैं, हम हकीकत में कौन हैं, हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वैसा क्यों करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उन स्ट्रेंथ्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। अपनी रियलिटी के साथ जिएं। लिटावो आगे लिखते हैं कि हमें अपनी रियलिटी के साथ जीना चाहिए, उसी को तराशना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग शाइनी क्लोथ्स, ज्वेलरी और मेकअप में अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को दबाने की कोशिश करते हैं।
दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप दूसरे को कॉपी करते रहेंगे तब तक आप अपनी पर्सनालिटी को कभी नहीं निखार पाएंगे, आप खुद को नहीं जान पाएंगे। हमें अपने पैदा होने के साथ ही जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके साथ जितना अच्छा हम बन सकते हैं ना, उतना अच्छा किसी दूसरे आर्टिफिशियल मटेरियल के साथ नहीं बन सकते। जब आप खुद की पर्सनालिटी को निखारने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है कि शुरू कहां से किया जाए। इस बुक की राइटर को भी लाइफ के शुरुआती दिनों में यही लगता था कि उनकी पर्सनालिटी परफेक्ट है, वो जैसी हैं वैसी सही हैं। मैरिज के बाद जब उनके हस्बैंड से उनकी पट्टी नहीं थी तो भी वो अपने को सही ठहराने में जुटी रहती थी। उन्हीं के ठीक अपोजिट उनके हस्बैंड को भी अपनी पर्सनालिटी अच्छी लगती थी। यही कारण था कि दोनों शादी के शुरुआती दिनों में एक दूसरे को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों एक दूसरे के हिसाब से ढलना नहीं चाहते थे। तब वो बताती हैं कि जब उन्होंने टिम लहाई की बुक स्पिरिट कंट्रोल्ड टेम्परमेंट पढ़ी तब जाकर उनको कुछ समझ में आया। उनके समझ में आया कि उनकी मैरिज लाइफ में गड़बड़ी कहाँ है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों लोगों को रियलाइज ही नहीं हुआ था कि कोई उनसे अलग होकर भी सही हो सकता है। उन्होंने पाया कि वो पॉपुलर ऑप्टिमिस्टिक नेचर की हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी टाइप 1 की है, यानी सैंग्विन नेचर की है। उन्हें एंजॉय करना और एडवेंचर पसंद है। उनके हस्बैंड उनसे पूरी तरह से अलग हैं, पेसिमिस्टिक नेचर के हैं, यानी मेलेंकली नेचर के हैं, जो जिंदगी को सीरियस ऑर्डर में रखना चाहते हैं। जब उन दोनों ने एक दूसरे के नेचर को जानना शुरू किया तो उन लोगों ने पाया कि वो दोनों ही कुछ हद तक स्ट्रांग एंग्री नेचर थे। यही कारण था कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था, पर्सनालिटी को लेकर ही नहीं बल्कि उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट थे। सबसे बड़ी बात कि वो लोग अपनी अपनी पर्सनालिटीज को सही मानते थे। फिर वो अपने नेचर के बारे में रिसर्च करने और लिखने लगे। आज ये बुक उनके 25 साल के सेमिनार में दिए गए स्पीचेस, पर्सनालिटी काउंसलिंग और लोगों के नेचर के डेली ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। जी हाँ, इसी वजह से उन्होंने इस बुक को लिखा है। फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ अपनी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को खत्म करने में जुट गए, एक दूसरे को समझने लगे। फिर उन्हें समझ में आया कि दूसरे से अलग होने के कारण आप गलत नहीं हो जाते, दूसरे अपनी जगह सही होते हैं। हम चाहे किसी भी नेचर के क्यों ना हों, लेकिन हम एक दूसरे के नेचर से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अब आइए उन चार तरह की पर्सनालिटी के लोगों के बारे में शॉर्ट में जानते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके विस्तार में जानेंगे। उनके साथ समय बिताने पर आप क्या सीख सकते हैं ये भी जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर सैंग्विन यानी आशावादी नेचर के लोग। इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, थोड़े टॉकेटिव यानी बातूनी होते हैं और स्टोरी टेलर होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, रंगों की याददाश्त अच्छी होती है, फिजिकली हेल्थी होते हैं, पैशनेट और डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं, एंथुजियास्टिक आर्टिकुलेट और चीयरफुल होते हैं। ऐसे नेचर के लोगों का फेस इनोसेंट होता है, प्रेजेंट में जीने वाले, जल्दी जल्दी बिहेवियर चेंज करने वाले होते हैं, हमेशा दिल के सच्चे बने रहते हैं। फिर सेकंड नंबर की मेलेंकली पर्सनालिटी आती है यानी निराशावादी नेचर के लोग। ये थॉटफुल और एनालिस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के साथ जीते हैं, इनमें जीनियस बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ये क्रिएटिव, आर्टिस्ट, म्यूजिक लवर, फिलोसोफर, एडमायरर ऑफ ब्यूटी और आइडियलिस्ट होते हैं, सेंसिटिव कॉन्शियस के होते हैं। लेकिन ऐसे लोग काम के फील्ड में पेसिमिस्टिक्स होते हैं, ये डेली रूटीन को मैनेज करने में बिलीव करते हैं, कम खर्चीली चार्ट, ग्राफ, आंकड़ों और लिस्ट बनाने वाली लाइफ में ज्यादा बिलीव करते हैं। थर्ड पर्सनालिटी कॉलरिक है, ये स्ट्रांग एंग्री नेचर के होते हैं, ये बॉन्ड लीडर्स होते हैं, प्रोग्रेसिव और यूनियन में एक्टिव रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा चेंज होने की जरूरत को फील करते हैं और पॉलिसीज को फिक्स किए बिना नहीं रह सकते। इनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और ये अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन इमोशनलेस होते हैं, आसानी से फ्रस्ट्रेट नहीं होते, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये एक पेरेंट या गार्डियन के रूप में गुस्से वाले होते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, किसी काम को गोल सेट करके करते हैं, किसी काम को करने से पहले उसके फ्यूचर के बारे में एक प्लानिंग बना लेते हैं। ये लोग हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, किसी काम में प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे इंसानों को फ्रेंड्स की बहुत कम जरूरत पड़ती है। चौथी पर्सनालिटी है फ्लेगमैटिक। ये काम कंटेंटेड नेचर के लोग होते हैं, ये इंट्रोवर्ट और थोड़े सुस्त होते हैं, इन्हें आराम बहुत पसंद होता है। ये जिंदगी में खुशी को पाने के लिए किसी भी चीज से इजिली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ये कभी भी कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, ये जल्दी में नहीं रहते, इनमें पेशेंस होता है, काम के क्षेत्र में केपेबल, स्टेबल, काम और चेयरफुल होते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसे लोग स्ट्रगल करने से बचते हैं और हमेशा आसान रास्ता खोजते रहते हैं। तो हमने चारों पर्सनालिटीज के बारे में जान लिया, तो अब आइए अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हमें सैंग्विन यानी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के साथ कैसे रहना चाहिए, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अगर आपकी भी पर्सनालिटी उसी तरह की है तो आपको खुद को जानने और संवारने में आसानी रहेगी। सैंग्विन पर्सनालिटी। सैंग्विन पर्सनालिटी के लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत होती है। ऐसे लोग चांद सितारों की दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया को अपने चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं। वो पॉपुलर होना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, इमोशनल और बातूनी होते हैं, अपने काम को मजेदार बना लेते हैं। इन्हें लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा माना जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक बच्चे भी कुछ क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं, इसलिए हमारा नेचर बचपन से ही समझ में आ जाता है कि हम किस पर्सनालिटी के हैं। सैंग्विन बच्चे एंजॉयमेंट और खेल की तलाश में रहते हैं, वो कहीं भी खेलने लगते हैं, वो बचपन से ही क्यूरियस और चेयरफुल होते हैं। ऐसे बच्चों के हाथ जो भी चीज लगती है ना, उससे वो खेलने लगते हैं और हंसते खिलखिलाते रहते हैं, उन्हें लोगों के बीच बहुत अच्छा लगता है। बड़े होने पर सैंग्विन बच्चे क्राउड को अट्रैक्ट करने लगते हैं, वो अपने गैंग के लीडर बन जाते हैं, स्कूल के स्टेज शोज या प्लेज में लीड रोल्स प्ले करते हैं। उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि लाइफ में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सैंग्विन मदर
घर को प्लेजेंट बना देती हैं। वो बच्चों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं। कई बार सैंग्विन लोगों की एक्साइटिंग एक्टिविटीज लिमिट को पार कर जाती हैं। एक बार राइटर एक क्रिएटिव मदर से मिलती हैं। उन्होंने बताया कि वो पड़ोस के बच्चों में काफी पॉपुलर हैं क्योंकि वो अपने घर में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहती हैं। एक दिन उसने अपने यहाँ आने वाले बच्चों को बताया कि घर के बैकयार्ड में बहुत सारे एलिफेंट्स आ गए हैं, इसलिए सबको झुक जाना चाहिए जिससे एलिफेंट्स उन्हें देख ना सकें। तभी उसकी डोरबेल बजी। जब उसने डोर ओपन किया तो एक छोटी सी बच्ची को खड़ा पाया। उस छोटी सी बच्ची ने जब उनसे पूछा कि वो ऐसे झुककर क्यों चल रही हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि घर के बैकयार्ड में एलिफेंट्स भरे हुए हैं और वो नहीं चाहती कि वो उन्हें देख लें। अच्छा रहेगा कि तुम भी नीचे झुक जाओ। उस बच्ची को उनकी बात सच लगी और वो उस बात को मानकर झुक गई। सभी बच्चे उसके घर में शाम के 5 बजे तक ऐसे ही झुके बैठे रहे। उसके बाद वो लेडी झुकते झुकते ही अपनी विंडो के पास गई और फिर उसने अनाउंस किया कि सारे एलिफेंट्स चले गए हैं, इसलिए अब तुम सेफली अपने अपने घर जा सकते हो। इस बात को एक लड़की ने सीरियसली ले लिया। वो घर जाकर अपने लेट होने का रीजन बताने लगी तो उसकी मदर को लगा कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए उसकी मदर ने उसको सजा दी। सैंग्विन पर्सनालिटी इस बारे में सावधान रहे कि कभी कभी आपका जॉय और फन किसी को हार्म न पहुंचा दे। हालांकि ऐसे लोगों के साथ एक एडवांटेज होता है कि ये किसी भी मोनोटोनस पार्टी को भी जानदार बना देते हैं। उनकी इंटरेस्टिंग बातों के साथ लोग इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार लॉस एंजलिस टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, पार्टी के लिए गेस्ट हायर करें, जिसमें यह बताया गया था कि लोग अपनी पार्टियों को सफल बनाने के लिए आकर्षक और बातूनी नेचर के लोगों को हायर कर सकते हैं जिससे उनकी पार्टी में जंगत बनी रहे। सैंग्विन पर्सनालिटी के लिए ये कितनी ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हर रात को पार्टी में जाना और बदले में पैसे पाना। अगर आपको सैंग्विन पर्सनालिटी के लोगों को किराए पर बुलाने के लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आप ऐसे लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ा लें। ऐसे लोग स्टेज पर एक्सलेंट होते हैं। सैंग्विन पर्सनालिटी के लोगों में इनर फीलिंग होती है, उन्हें स्टेज और कैमरे के लेंस के बीच रहने का मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। वो थ्रिल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर थ्रिल कम होने लगता है तो वो इसे जनरेट भी कर सकते हैं। सैंग्विन पर्सनालिटी की पहचान होती है कि वो बड़ी बड़ी आंखों वाले इनोसेंट दिखते हैं। ऐसे लोग सिंसियर होते हैं और बुढ़ापे में भी उनमें बच्चों जैसी एनर्जी होती है। हालांकि हकीकत तो यह है कि वो बाकी नेचर वाले लोगों से ज्यादा इमोशनल नहीं होते, वो तो सिर्फ इमोशनल दिखते हैं। साथ ही ऐसे लोग फिजिकल पोस्चर्स के यूज में एक्सपर्ट होते हैं। वो करीब करीब हर चीज के बारे में ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक होते हैं। आप जिस भी काम के बारे में सोचें वो उसे करना चाहते हैं। आप जिस भी जगह का जिक्र करेंगे वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो स्टेबल नहीं रहते, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सैंग्विन पर्सनालिटी के लोग हमेशा हर बात को जानना चाहते हैं। वो अपनी चाइल्डहुड हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ते क्योंकि वो हैबिट्स उन्हें बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे लोग हेल्पफुल और पॉपुलर बनना चाहते हैं, इसलिए बिना कुछ सोचे ही हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि सैंग्विन पर्सनालिटी के लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है, इसलिए दूसरों को वो इजीली अट्रैक्ट और इंस्पायर कर लेते हैं। हैरी ट्रूमन ने एक बार कहा था कि लीडरशिप का मतलब दूसरों को काम करने के लिए इस तरह इंस्पायर करने की एबिलिटी है कि वो उस काम को खुशी खुशी कर सकें। और ये सेंटेंस सैंग्विन पर्सनालिटी की खासियत और उनकी लीडरशिप स्टाइल होती है। ऐसे लोग इजीली किसी को भी अपना फ्रेंड बना लेते हैं और खुश मिजाज होते हैं। तो अगर आपको खुश मिजाज बनना है या खुश रहना है और कुछ करने के लिए मोटिवेट होना है तो आपको सैंग्विन पर्सनालिटी के लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि मेलंकली पर्सनालिटी के साथ रहकर ऑर्गेनाइज्ड कैसे बने। मेलंकली पर्सनालिटी के बारे में जान लें। अरस्तू ने कहा था, सभी जीनियस पेसिमिस्टिक नेचर के होते हैं। राइटर्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस यूजुअली कंप्लीट पेसिमिस्ट्स होते हैं क्योंकि वो उस नेचुरल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं जिसे सही तरीके से मोटिवेट करने और तराशने पर वो ग्रेट बन सकते हैं। हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि सैंग्विन के साथ रहकर एंजॉय करना चाहिए। हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे कि हमें मेलंकली पर्सनालिटी के लोगों के साथ रहकर ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान बनना कैसे सीखना चाहिए। दुनिया को मेलंकली नेचर के लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों में जिंदगी के अंदर तक जाकर झांकने की एबिलिटी होती है। इनमें मास्टरपीस बनने का यूनिक टैलेंट होता है। एनालाइज करने और राइट सॉल्यूशन तक पहुंचने की एबिलिटी होती है। फ्लोरेंस यानी कि ऑथर बताती हैं कि पहले वो ऐसे लोगों को लाइक नहीं करती थीं जो उनके नेचर के जैसे नहीं होते थे। वो हमेशा जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थीं और उनका नेचर मौज मस्ती करने वाला था। वो खुद को अच्छा समझती थीं और उन्हें अपनी वीकनेसेस का एहसास नहीं होता था। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड फ्रेड की डेप्थ, सेंसिटिविटी, सिस्टमैटिक इंस्टिंक्ट्स और लिस्ट्स को इंपॉर्टेंस देने लगी, तब जाकर उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें फ्रेड जैसे ट्रू हेल्पर और मेलंकली नेचर के फ्रेंड की बहुत जरूरत है जो जिंदगी को गहराई तक जाकर देखने की काबिलियत रखता हो। एक्चुअली मेलंकली लोग बचपन से ही डीप थिंकिंग में डूबे दिखाई देते हैं। वो शांत रहते हैं, कोई डिमांड नहीं करते और अकेला रहना लाइक करते हैं। वो शुरू से ही समय के पंक्चुअल और वेल प्लान्ड होते हैं। पेरेंट्स से उनकी अच्छी पटरी खाती है। उन्हें शोर शराबे की दुनिया में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका कोई फ्रेंड मेलंकली है तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले कैलकुलेट करके हिसाब लगा लेते हैं। सैंग्विन लोग बात करते हैं, कॉलरिक लोग काम करते हैं, फ्लेगमैटिक लोग इंतजार करते रहते हैं, जबकि मेलंकली लोग सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, क्रिएट और इन्वेंट करते हैं। मेलंकली इंसान मोनोटोनस काम को भी शौक से करने को तैयार रहते हैं, बस सिर्फ उन्हें फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स की झलक दिख रही हो। मेलंकली इंसान के लिए ब्रेन की इंटरनल फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग पैदा होते ही अपने आसपास की लाइफ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में मेलंकली स्टूडेंट्स टर्म पेपर और रिसर्च प्रोजेक्ट से खुश होते हैं। वो अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बातचीत करने से प्रोग्रेस स्लो पड़ जाती है। वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं जो नए हों।
जिन्हें सही तरह से एक्सप्लोर ना किया गया हो। उन्हें सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत पसंद होते हैं। यूजुअली मेलंकोली लोग ऐसा प्रोफेशन और करियर ढूंढते हैं जहां उनकी एबिलिटीज की वैल्यू होती है। ये जिंदगी की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और इनका थिंक टैंक आइडिया से भरा होता है। ये एनालिटिकल नेचर के होते हैं और इनमें पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। लेकिन किसी काम के ज्यादा होने पर मेलंकोली लोग उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में लगातार टेंशन में रहते हैं। ये लोग सीरियस होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करते हैं और सिर्फ वही काम करते हैं जो उन्हें उनके टारगेट तक ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी ऐसे लोगों से होती है जो कि फन लाइफ को ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए ये उन हल्की फुल्की बातों से अपसेट हो सकते हैं जिससे उनका लाइफ पार्टनर रोमांचित रहता है। माइकल एंजेलो अनडाउटेडली मेलंकोली थे, हालांकि वो इस बात को क्लियर करने के लिए इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके नेचर पर जिस तरह से स्टडी की गई है उससे साफ पता चलता है कि वो मेलंकोली पर्सनालिटी के थे। मोसेस डेविड की वर्ल्ड रेनाउंड स्टैच्यू बनाने से पहले वो काफी स्टडी करते थे। किसी भी स्टैच्यू को बनाने से पहले उन्होंने ह्यूमन बॉडी की अच्छे से स्टडी की। वो मॉग हाउसेस में गए और डेड बॉडीज को चीर कर अच्छे से समझा। यही कारण है कि वो अपने टाइम के एवरेज स्कल्प्टर से ज्यादा गहराई में गए थे, इसलिए उनके स्टैच्यूज आज भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। फ्लोरेंस आगे लिखती हैं कि अगर उनसे स्टैच्यूज को तराशने को कहा जाता तो वो मार्बल या स्टोन पर पूरे जोश से हिट करती और जल्दी जल्दी स्टैच्यू को बना देती। हालांकि उनकी स्टैच्यू इस तरह से नहीं दिखती जैसे माइकल एंजेलो की दिखती है। अगर वो लकी होती तो उनका आर्टवर्क पोस्ट ऑफिस के सामने वाली खाली जगह पर शायद रख दिया जाता, लेकिन आज सेंट पीटर्स के बसिलिका में नहीं रखा होता। सबसे बड़ी बात कि माइकल एंजेलो एक आर्किटेक्ट भी थे, उन्होंने पोम्स भी लिखी हैं। बहरहाल सिस्टीन चैपल के रूम की सीलिंग पर बने आर्ट के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो सीन्स बुक ऑफ जेनेसिस से लिए गए हैं जिन्हें उन्होंने जमीन से 70 फुट ऊपर बने मचान पर पीठ के बल लेटकर बनाया था। उसे बनाने में उन्हें 4 साल लग गए थे। अब आप इमेजिन करें अगर माइकल एंजेलो सैंग्विन होते तो क्या होता। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, वो किसी भी एक कॉर्नर में बैठकर पेंटिंग करने लगते। उस टाइम उनके दिमाग में जो भी चीज आती उसकी पेंटिंग करने लगते। मेलंकोली लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनका इंटरेस्ट आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी, पोएट्री और लिटरेचर में होता है। वो काबिल लोगों की वैल्यू करते हैं, कभी कभार इमोशनल होकर रो भी देते हैं। वो हर फील्ड के ग्रेट लोगों से ओवरवेलम्ड होते हैं और नेचर की मिस्ट्रीज पर सरप्राइज्ड होते हैं। वो सिम्फनी में डूब जाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेलंकोली लोग आइडियलिस्टिक, सिस्टमैटिक और पर्पसफुल होते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम इमोशंस के बारे में समझेंगे। सैंग्विन और मेलंकोली के इमोशंस। एक कहावत है, वाइज मैन आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का अंदाजा लगाकर उनको फेस करने की तैयारी करता है, फूल कभी आगे देखता नहीं और वो सफर करता है। होपफुली आप अभी तक खुश मिजाज सैंग्विन और मेलंकोली लोगों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हालांकि इन दोनों नेचर के लोग पर्पस और रिएक्शंस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इनमें कई क्वालिटीज कॉमन होती हैं। ये दोनों ही इमोशनल होते हैं। सैंग्विन लोग इमोशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं और उनकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स जल्दी जल्दी आते हैं। हो सकता है कि सैंग्विन सुबह अच्छा हो और दोपहर में बुरा फील करने लगे और फिर शाम में मस्तमौला हो जाए। इसके लिए हर चीज या तो बहुत बढ़िया होती है या तो बहुत बुरी, बीच का कोई भी रास्ता होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक सैंग्विन मदर किसी से खुशी खुशी फोन पर बात कर रही होती है और सडनली उसका बच्चा चेयर से गिर पड़ता है। वो तुरंत फोन पटक कर चीख पड़ती है, हाय मेरा बेटा मर गया रे। वो बच्चे को उठाकर पूरे घर में भागती है और उसी के साथ साथ चीखते हुए पैनेट खोजती है। तभी डोरबेल बजती है और वो जब डोर ओपन करती है तो प्रीस्ट को सामने खड़ा पाती है। उन्हें अंदर बुलाती है, बच्चे को पालने में लेटाकर कमरे के अंदर भागती है। बच्चे की तरफ हाथ में ली टॉवल उछालते हुए कहती है, स्टॉप क्राइंग, फादर आए हुए हैं। फिर वो लिविंग रूम में स्माइल करते हुए एंटर करती है और खुश होकर कहती है कि व्हाट अ वंडरफुल डे। इस शॉर्ट स्टोरी को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि सैंग्विन इंसानों के इमोशंस कितनी तेजी से भागते हैं। अगर आप सैंग्विन के इमोशंस ग्राफ पर नजर डालेंगे तो उनके ग्राफ ऊपर नीचे होते रहते हैं। सुबह का होपलेस पर्सन इवनिंग में हंस रहा होता है, कभी कभी अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी को देखकर क्रिटिकल जजमेंट देता है। वहीं मेलंकोली इंसान भी इमोशनल होते हैं, लेकिन उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो इमोशनल है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उनके हाई पॉइंट ज्यादा ऊंचे होते हैं और लोअर पॉइंट ज्यादा नीचे होते हैं। सपोज इस समय मेलंकोली नॉर्मल मूड में है, अब तक उसे किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो अपना लंच बैग उठाता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी सैंग्विन वाइफ उसके लिए सैंडविच बनाना भूल गई। जब वो अपनी वाइफ को ये बात बताता है तो उसे घूटता है। उसकी वाइफ फौरन भागकर सैंडविच बनाने लगती है। सैलड कट करते वक्त वो बीच बीच में अपनी उंगलियां चाट लेती है। वो उसकी इस एक्टिविटी को देखकर सोचता है कि ये कितनी बुरी हरकत है। ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की तरह सेंटिमेंटल नहीं है, इसलिए चुप रहता है। वाइफ सैंडविच उठाती है और ड्रॉर खोलती है जिसमें बैग्स रखे हैं। वो बैग खींचते वक्त पीछे की तरफ गिर जाती है, सैंडविच भी गिर जाते हैं। उसकी वाइफ फटाक से सैंडविच उठाकर बैग में रखते हुए सोचती है कि खराब नहीं हुए। वो फिर से लंच बैग में सैंडविच रख देती है। उसका हस्बैंड सिर्फ देखता है, कुछ बोलता नहीं। बस वो मनी मन सोचता है कि शायद आज उसे मैकडॉनल्ड्स से खाना पड़ेगा। उस टाइम उसे ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। घर से निकलते वक्त ऊपर से तो वो काम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। फिर अगले दिन वाइफ सैंडविच बनाना फिर भूल जाती है। उसका हस्बैंड उसे गुस्से से बताता है, लेकिन फिर खुद ही सैंडविच बनाने लगता है। जब वो फ्रिज खोलता है तो उसे बासी सैलड और ड्राई ब्रेड मिलती है। उसकी वाइफ ने उसे ठीक से लपेट कर नहीं रखा था। वो इस बात को अपनी वाइफ को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। इसे सुनने के बाद उसकी वाइफ रोने लगती है, क्योंकि ऐसे लोग इमोशनल और अनस्टेबल होते हैं। फिर वो तीसरे दिन खुद ही सैंडविच बनाता है, इसीलिए लास्ट नाइट सारा सामान घर लेकर आया था। उसकी वाइफ सारी गिले शिकवे भुलाकर मस्त फोन पर बात कर रही होती है।
वो सैंडविच तो बना रहा होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्सा भी कर रहा होता है, क्योंकि उस समय उसका काम उसकी वाइफ को करना चाहिए था। इसी कारण वो बिना गुड बाय के ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऊपर से निकलते समय धड़ाम से दरवाजा बंद करता है। वाइफ उसकी इस हरकत पर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होती है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से फोन पर बिजी हो जाती है। जब वो शाम को घर लौटता है तो शांत रहता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। ऐसे पूरा वीक निकल जाता है। जब एक दिन उसकी वाइफ उससे पूछती है कि उसने एक हफ्ते उससे ठीक से बात क्यों नहीं की, तब वो बताता है कि उसने उसके लिए सैंडविच नहीं बनाया इसलिए। इतना सुनते ही उसकी वाइफ इमोशनल हो जाती है और कहती है कि सैंडविच ऐसी छोटी चीज के लिए तुमने मुझसे एक हफ्ते तक ठीक से बात नहीं की। हस्बैंड की फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। वो सोचने लगता है कि उसकी वाइफ इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। कई हफ्ते तक उसकी वाइफ उसके लिए सैंडविच बनाती है, तब जाकर वो दोबारा नॉर्मल हो पाता है। अब तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक्चुअली दोनों ही इमोशनल हैं। सैंग्विन लोगों के मूड हर मिनट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जबकि मेलंकली लोगों के मूड हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। फ्लोरेंस आपको सैंग्विन और मेलंकली दोनों की ही सेंटिमेंटालिटीज को क्लियरली समझाती हैं। जब आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी आगे की लाइफ ईजी हो जाती है। आप भी इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि ज्यादातर कपल्स में एक सैंग्विन और एक मेलंकली होता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कॉलरिक और फ्लेगमैटिक लोगों से कैसे डील करना चाहिए। कॉलरिक और फ्लेगमैटिक लोगों से डील करना सीखें। सैंग्विन और मेलंकली लोग इमोशनल और सिचुएशनल होते हैं, लेकिन कॉलरिक और फ्लेगमैटिक लोग उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। कॉलरिक लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्टिव होते हैं। जिनका एक ही गोल होता है वो सीधे सीधे कह देते हैं, इस काम को अभी मेरे तरीके से करो। फ्लेगमैटिक इंसान फ्लेक्सिबल, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होते हैं। वो हमेशा कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट से बचते रहते हैं। अगर कोई सही ढंग से काम नहीं करता तो कॉलरिक को तुरंत गुस्सा आ सकता है, लेकिन गलती करने वाले को अच्छी तरह समझाने के बाद वो मैटर को उसी टाइम क्लोज कर देता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। वहीं फ्लेगमैटिक इंसान जब प्रॉब्लम से अलर्ट होने के बावजूद भी नहीं बच पाते तो वो कुछ समय के लिए फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन किसी को नजर नहीं आती। इसलिए इन्हें अपने स्टेबल कंपोजर पर प्राउड होता है। वो इसे प्राउडली कहते हैं कि मैं कभी किसी को ये पता नहीं चलने देता कि मैं किस चीज के बारे में कैसा फील कर रहा हूं। आपको ये समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती कि सैंग्विन इंसान कैसा फील कर रहा है। उनके अप्स एंड डाउन्स इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह जलते बुझते रहते हैं, यानी कि क्लियर होते हैं। इस तरह आप मेलंकली इंसान के मूड के बारे में भी पता लगा सकते हैं। कॉलरिक इंसान हमेशा स्टॉर्मी पेस की तरह आगे चलते हैं और फ्लेगमैटिक इंसान इस मामले में थोड़े हेजिटेंट होते हैं। जिस तरह सैंग्विन लोग मेलंकली लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह से इंट्रोवर्टेड मेलंकली एक्सट्रोवर्टेड सैंग्विन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह कॉलरिक नेचर के लीडर्स फ्लेगमैटिक नेचर के फॉलोअर्स को लाइक करते हैं। जिस तरह सैंग्विन और मेलंकली लोग एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं, उसी तरह कॉलरिक और फ्लेगमैटिक भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। वो सिर्फ एक दूसरे के नेचर को समझकर उसे बस एक्सेप्ट कर लें। अब आइए ये समझते हैं कि कॉलरिक लोगों के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस दुनिया को कॉलरिक की भी बहुत जरूरत है। ये एनर्जेटिक होते हैं, इम्पॉसिबल सपने देखते हैं और सितारों तक पहुंचने का टारगेट सेट करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह ही वो भी सोचते हैं इंसान की कोशिश उसकी पहुंच से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज हेवन किस लिए है। कॉलरिक इंसान हमेशा गोल सेट करता है, उस तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क करता है और सक्सेसफुल हो जाता है। जब सैंग्विन इंसान बातें बनाता रहता है और मेलंकली इंसान सोचता रहता है, तब कॉलरिक इंसान गोल तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क कर रहा होता है। इस नेचर के लोगों को समझना और उनके साथ चलना सबसे ईजी होता है। बस आपको उनके गोल्डन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, स्पेशली जब वो ये कहें कि इस काम को मेरे हिसाब से अभी करो। अगर आप उन्हें अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे और उनका एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे। कॉलरिक और सैंग्विन लोगों में सिमिलैरिटी होती है कि दोनों ही एक्सट्रोवर्ट और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कॉलरिक इंसान लोगों के सामने खुलकर बोल सकता है और उसे पता होता है कि अगर नेतृत्व की बागडोर उसके हाथ में है तो फाइनली सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बाकी नेचर वाले लोगों से ज्यादा काम करता है। ये आपको ये क्लियरली बता देता है कि उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि कॉलरिक इंसान गोल ओरिएंटेड होता है। इनमें नेचुरली लीडर क्वालिटी होती है, इसलिए वो जो भी काम करने के लिए चूज करते हैं उसमें प्रोग्रेस करते हैं। दुनिया के ज्यादातर नेता फंडामेंटली कॉलरिक नेचर के होते हैं। अर्ली 80s में हमें इसके दो क्लासिक एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक था आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हेग और दूसरी एक औरत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर। जितनी तेजी से 56 वर्षीय अलेक्जेंडर हेग ने नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के बाद फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, उतनी तेजी से बहुत कम लोग कर पाते हैं। मार्गरेट थैचर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें कॉलरिक नेचर को डिस्क्राइब करने वाले कई वर्ड्स यूज किए गए थे। एक्सलेंट, पोजेसिव, वर्चुअस, केपेबल, एमिनेंट, जजमेंटल, इंटेंसली कंपेटिटिव, हार्श, फ्यूरियस एटसेट्रा। इन वर्ड्स को अलग करके देखने में समझ आ जाता है कि वो कॉलरिक नेचर की लीडर थी। उस आर्टिकल में थैचर के बारे में कहा गया था कि वो प्लेन डार्क कलर के कपड़े पहनती हैं और इफेक्टिवली बोलती हैं। इस तरह से एक एम्पावर्ड वुमन के कॉन्फिडेंस को डिस्क्राइब किया गया था। कॉलरिक लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है। उनके पास जवाब होते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं। वो दूसरों को मुश्किल से निकालने में हेल्प तो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनके बिलीव्स तथा स्टेरियोटाइप से दूसरे लोग इनसिक्योर फील करने लगते हैं। इसलिए अगर आपका नेचर कॉलरिक जैसा है तो आपको दूसरे नेचर के बारे में समझकर अपने कामों को मॉडरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे बाकी लोग आपकी एबिलिटी से खुश रहें।
तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि फ्लेगमैटिक लोगों के साथ पीसफुली कैसे रहें। फ्लेगमैटिक लोगों के साथ पीसफुली रहना सीखें। अब आइए जानते हैं कि इस वर्ल्ड को फ्लेगमैटिक लोगों की कितनी जरूरत है। लोगों को समझने का फर्स्ट स्टेप होता है उनकी पर्सनालिटी को या फिर नेचर को समझना। अगर हम दूसरों के इनर डिफरेंसेस नहीं देख पाएं और उनके प्रेजेंट फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाएं, तो हम ये सोचने लगेंगे कि जो भी हमारी तरह नहीं है वो मेंटली थोड़ा अनबैलेंस्ड है। लेकिन फ्लेगमैटिक इंसान में एक ही डायरेक्शन में चलने की स्टेबिलिटी होती है। चाहे आप इन्हें जितना भी प्रोवोक क्यों ना करते, ये पेशेंट होते हैं। जब बाकी लोग बोलने में जुटे होते हैं तब ये उनकी सुनते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पर पीस को मेंटेन करके रखना होता है। ये हर्ट हुए लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। जब इनके आसपास के सभी लोग अपना मेंटल बैलेंस खो रहे हों तो ये अपना मेंटल बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ये इस तरह से जीने की कोशिश करते हैं जिससे दुश्मन भी कहने के लिए कोई बुरी बात न सोच सके। कहते हैं कि गॉड ने फ्लेगमैटिक इंसान को इसलिए बनाया जिससे वो बाकी तीनों नेचर के लोगों की फीलिंग्स के प्रतिरोधक यानी बफर का काम कर सके। इसके साथ ही स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि गॉड ये नहीं चाहता कि सभी लोग मेलंकली बने और कंडीशन गड़बड़ होने पर सभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं। सभी नेचर के लोगों में फ्लेगमैटिक इंसान के साथ तालमेल बैठाना सबसे ईजी होता है। ये बचपन से ही अपने पेरेंट्स के लिए वरदान होते हैं। इनके आसपास रहना अच्छा लगता है। इन्हें कहीं भी ले जाया जाए ये खुश रहते हैं और ये खराब रूटीन को भी फेस कर लेते हैं। ऐसे लोग फ्रेंड्स को लाइक करते हैं लेकिन अकेले में रहना चाहते हैं। इन्हें कोई भी चीज परेशान नहीं करती और पास से गुजरने वाले लोगों को देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फ्लेगमैटिक इंसान एक्सलेंट पेरेंट्स होते हैं, हालांकि ये बच्चों को डिसिप्लिन रखने के मामले में वीक होते हैं। इनके रिलैक्स्ड एटीट्यूड की वजह से इनके बच्चे भी रिलैक्स्ड होते हैं। फ्लोरेंस बताती हैं कि उनके जान पहचान का एक इंसान फ्लेगमैटिक है। उनका 10 साल का बेटा बेसबॉल का दीवाना है और लिटिल लीग में खेलता है। चाहे उसकी टीम जीते या हारे उसके फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस उसके लिए क्लैपिंग और चीयर करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे साबित होते हैं। दूसरे लोग इनके लिए काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रेशर डालने या क्रिटिसाइज करने जैसे काम नहीं करते, इसलिए इनकी सेक्रेटरी को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। जब एनवायरमेंट और प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होता है तो इनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। एक लेडी बताती हैं कि उनका हस्बैंड फ्लेगमैटिक नेचर का है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कम है इसलिए उन्हें जिंदगी को ज्यादा सीरियसली न लेने का परिणाम मिलता है। लेकिन फ्लेगमैटिक इंसानों में कई गुड क्वालिटीज भी होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए। फ्लेगमैटिक इंसान अपने हैप्पी रहने और बुरा न मानने वाले नेचर के लिए जाने जाते हैं। अगर घर में फ्लेगमैटिक बच्चे न हों तो हर फैमिली को ऐसे बच्चे बाहर से लेकर आने चाहिए। फ्लेगमैटिक इंसान जिंदगी को बहुत आराम से लेता है, वो ज्यादा आगे तक नहीं सोचना चाहता। फ्लोरेंस बताती हैं कि जब उनके हस्बैंड यंग थे तो उनका एक फ्रेंड घर आया करता था। उन्होंने उसे पूछा कि क्या वो हमारे घर डिनर के लिए रुकेगा। उन्होंने जवाब दिया, मुझे सोचना पड़ेगा, जब समय आएगा तब देखूंगा। फिर उन्होंने उसके बैठने के लिए एक चेयर लगा दी और वो रुक गया। डिनर करने के बाद उसके लिए टीवी चला दिया गया। फिर उससे पूछा कि क्या कोई तुम स्पेशल प्रोग्राम देखना चाहोगे, तो उसने कहा जो भी आ रहा है वो देख लूंगा। लेकिन बाद में एक ऐड के दौरान वो बुदबुदाया कि वो डोजा वाला मैच देखना चाहता था। फिर वो उसे पूछते हैं कि जब तुम्हें डोजा वाला मैच देखना था तो तुमने बताया क्यों नहीं। तब उसने जवाब दिया कि मुझे इस बात का डर था कि शायद वो आपको पसंद ना आए। फ्लेगमैटिक इंसान का भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। वो किसी चीज में चेंज लाने के बजाय सिचुएशन को पीसफुली एक्सेप्ट कर लेता है। उनके हस्बैंड का एक और फ्रेंड था जो इतना रिलैक्स था कि उसे हिलने में भी प्रॉब्लम होती थी। एक दिन वो सोफे पर लेटा हुआ था तो फ्लोरेंस उसकी टोन जीन्स टी शर्ट और बिखरे लंबे बालों को देखकर कॉमेंट करती हैं कि माइक ऐसा नहीं लगता कि तुमने आज खुद को अच्छा दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं दिया। दूसरे सोफे पर बैठे उनके बेटे ने कहा कि माइक अच्छा दिखने में ज्यादा बिलीव नहीं करता। माइक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फ्लेगमैटिक इंसान के लिए ये कितनी एक्यूरेट बात है। कॉलरिक इंसान को यूजुअली बिजनेस एग्जीक्यूटिव माना जाता है, लेकिन कई बार हम फ्लेगमैटिक इंसान को क्वालिफाइड परमानेंट एम्प्लॉई मानकर इग्नोर कर देते हैं जो हर एक को साथ लेकर चलता है और जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड फ्लेगमैटिक नेचर के थे। राइटर डॉरिस गुडविन ने प्लेसेंट, हम्बल, कम्फर्ट, वेल बैलेंस्ड, मॉडेस्ट, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल और अमेरिका के मिस्टर क्लीन जैसे वर्ड्स के साथ उनको डिस्क्राइब किया था। फ्लेगमैटिक इंसान सबसे अच्छा फ्रेंड होता है क्योंकि उसका टैलेंट पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन के लिए होता है। इसलिए आपको फ्लेगमैटिक लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहा जाता है कि सैंग्विन लोगों को अच्छे फ्लेगमैटिक फ्रेंड्स की जरूरत होती है। पीस वर्ड लाइफ और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कंप्लेन से फ्रस्ट्रेशन होती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम बात करेंगे पर्सनालिटी प्लानिंग पर। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पर्सनल वीकनेसेस को दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं। खुद की एक्टिविटी पर गौर करें। कभी कभी टू मच पॉजिटिव थिंग्स नेगेटिव बन जाती हैं। हम सभी गुड और बैड थिंग्स दोनों से कंप्लीट होते हैं। हमें कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जो दूसरों में नेगेटिव रिएक्शन जनरेट करती हैं। आपकी क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकती हैं, बस इसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कई बार पॉजिटिव थिंग्स की ज्यादा होने पर वो नेगेटिविटी में चेंज हो सकती हैं। सैंग्विन इंसान में इंटरेस्टिंग बातें करने का बहुत अच्छा टैलेंट होता है, चाहे वो कैलिफोर्निया में रहता हो या कांगो में। दूसरे लोग उनकी इस क्वालिटी से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनके इस टैलेंट के टू मच हो जाने पर सैंग्विन लगातार बातें करता रहता है। वो डिस्कशन पर मोनोपोली चाहता है, दूसरों की बातें काटता है और हकीकत से भटक जाता है। वहीं मेलंकली इंसान में डीप एनालिटिकल थिंकर होता है,
ये टैलेंटेड इंसान की एक ऐसी क्वालिटी है जिसका बाकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी एक्सेस हो जाने पर वो एंग्जायटी और डिप्रेशन से घिर जाता है। कॉलेरिक इंसान में लीडरशिप की क्वालिटी होती है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत जरूरी है, लेकिन इस क्वालिटी के ज्यादा हो जाने पर ऐसे लोग ऑटोक्रेटिक और ट्रिगर हो जाते हैं। फ्लेगमेटिक इंसान बहुत कम्फर्ट लविंग होता है, उसका नेचर इतना एडमरेबल होता है कि वो किसी भी ग्रुप का फेवरेट बन जाता है, लेकिन ये भी एक्सेस हो जाने पर ऐसा इंसान कुछ करने के बारे में केयर नहीं करता और इनडिसाइसिव व इनडिफरेंट बन जाता है। अब आइए इन सभी नेचर की क्वालिटीज की तरफ देखते हैं और फिर उससे खुद को मैच करते हैं। जब आप ऐसा करें तो आपको उन क्वालिटीज को देखना चाहिए जो दूसरों में पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करते हैं और आपकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करते हैं। हम में से हर एक की वेन्स में हीरोज का ब्लड होता है। अपनी पावर्स को डिस्कवर करना और उनका वाइजली इस्तेमाल करना कितना एक्साइटिंग होता है, लेकिन शेक्सपियर के सुपर हीरोज की तरह ही हर किसी में कोई ना कोई ट्रैजिक फ्लॉ होता है। जैसे अगर आप शेक्सपियर के सुपर हीरोज के बारे में जानते होंगे, चाहे वो हैमलेट हो, मैकबेथ हो, किंग लियर, हेनरी, सभी ग्रेट थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हर एक में एक ट्रैजिक फ्लॉ था जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। अगर आप अपनी पावर्स पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका भी डाउनफॉल करवा सकती हैं। इसलिए आपको रियलिस्टिकली अपना एग्जामिन करना चाहिए और इससे पहले कि देर हो जाए आपको अपने फॉल्स जल्दी से डिस्कवर कर लेने चाहिए। अब आगे आप जो सुनने जा रहे हैं उस पर गौर करें और उसे खुद से मैच करें। अगर आप क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट करते हैं तो आपको पॉवर्टी और ह्यूमिलिएशन की जिंदगी जीनी पड़ सकती है। अगर आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तो आप फेम पाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसे गौर से सुने, तुरंत उस पर रिएक्ट न करें, उसे एक्सेप्ट करें। आपको खुद को तराशने में बहुत हेल्प मिलेगी। जिस तरह से हमने शुरुआत में ये जान लिया कि दुनिया में चार तरह की पर्सनालिटी या नेचर के लोग होते हैं, आपको ज्यादातर ऑपोजिट पर्सनालिटी के बीच रहना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ कैसे डील करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सैंग्विन को कैसे ऑर्गेनाइज करें। जैसे सैंग्विन इंसान खुद में चेंज लाने के लिए सबसे ईगर होते हैं, इसका कारण है कि उन्हें नए आइडियाज और एक्शन से प्यार होता है। इसके अलावा ये पॉपुलर बनना चाहते हैं और किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दो मेन रीजन से सैंग्विन लोग इस डायरेक्शन में नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाते। फर्स्ट रीजन है कि वो रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते। वो किसी मॉर्निंग एक रेजोल्यूशन लेते हैं और इवनिंग तक उसके बारे में भूल जाते हैं। सेकंड रीजन है कि वो इतने खुश मिजाज और चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं कि उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि उनमें सीरियस फ्लॉज हो सकते हैं। और सच्चाई ये है कि वो खुद को ही सीरियसली नहीं लेते। उन्हें इस बात को समझना चाहिए, भले ही वो खुद को सीरियसली नहीं लेते लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। वो अगर ये सोचते हैं कि उनमें कोई वीकनेसेस नहीं है तो वो गलत सोचते हैं। हर किसी में वीकनेसेस होती हैं, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। सैंग्विन लोग ये सोचते हैं कि उनमें वीकनेसेस नहीं है, इस चक्कर में वो अपनी वीकनेसेस को नहीं देख पाते। उन्हें इस पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। सैंग्विन इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना बोलते थे उससे आधा बोलने की कोशिश करें। सैंग्विन लोगों में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत इस बात को लेकर होती है कि वो जो बातें करते हैं कभी कभी वो बातें बोरिंग हो जाती हैं, इसलिए इस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बाकी तीनों नेचर के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि बोर्डम यानी बोरियत के सिम्टम्स क्या होते हैं। सैंग्विन इंसानों के दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आता कि उनकी बातें लोगों को बोर करती हैं, इसी चक्कर में वो बोलते चले जाते हैं। इसलिए आप आज से ही इस पर गौर करें कि कहीं आप अपनी बातों से लोगों को बोर तो नहीं कर रहे। अगर वो बोर हो रहे हैं और आप उसके बाद भी उन्हें बोर करते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, तो वो आपसे धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएंगे। सैंग्विन लोगों को बड़े बड़े कमेंट्स करने की हैबिट होती है, इसलिए ध्यान दें कि जब भी आप किसी चीज पर कमेंट करें तो उसे शॉर्ट रखें, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना छोड़ दें। अगर आप सैंग्विन नेचर के हैं तो आप इस पर ध्यान दें। अगर इन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें ये जानेंगे कि हम मेलंकोली लोगों को खुश रहना कैसे सिखा सकते हैं। आपके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास मेलंकोली लोग हैं या आपको अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ काटनी है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेलंकोली लोगों को खुश होना सिखाएं। मेलंकोली इंसान के बारे में एक अमेजिंग ट्रूथ ये है कि उसे ये बिलीव होता है कि वो दुनिया में यूनिक है, यानी उसके जैसा कोई और है ही नहीं। वो खुद के सामने हमेशा ये प्रूव करता है वो सही है और पूरी दुनिया को गलत मानता है। अगर दूसरे लोग उसके जैसे बन जाएं तो वो खुश रह सकता है, और यही रीजन है कि वो सामने वाले को चेंज करने में लगा रहता है। फ्लोरेंस बताती हैं कि उनके सेमिनार में मेलंकोली लोगों को ये एडवांटेज होता है कि वो ये समझ जाते हैं कि वो अनकॉमन नहीं है, दूसरे लोग भी उनकी तरह सोचते हैं, देखते हैं और काम करते हैं। एक इंसान ने उन्हें बताया कि उनके सेमिनार में आने से उसकी लाइफ चेंज हो गई। इसी तरह के ट्रू एक्सपीरियंस ने उसकी मैरिड लाइफ को चेंज कर दिया। वो अपनी सैंग्विन वाइफ के जोर देने पर उनके सेमिनार में आया था। हालांकि उसकी वाइफ उसे दो बार और लाई थी, लेकिन वो सेमिनार छोड़कर चला गया था। लेकिन इस सेमिनार में उसे बहुत फायदा हुआ। उनका सेमिनार ज्वाइन करने के पहले उसे लगता था कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ उसकी वाइफ है। उसे हमेशा यही लगता था कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेमिनार में आने के बाद उसे पता चला कि प्रॉब्लम तो उसमें है। फिर जब वो उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने लगा तब उसे समझ में आया कि जिंदगी जीना बहुत ईजी है। तीसरे सेमिनार की रात जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है, क्योंकि तब तक उसे अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो चुकी थी। उसे ये समझ में आ गया था कि उसने कई बार अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश की थी। ठीक इसी तरह जब आप सामने वाले पर्सन का नेचर समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। मेलंकोली इंसान की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इजिली डिप्रेस्ड हो जाता है।
बस आपको इस बात को दिमाग में रख लेना है कि डिप्रेस लोगों को कोई लाइक नहीं करता। कभी कभी मेलंकली लोगों के बारे में ये ही नहीं पता चल पाता कि वो हैप्पी है या अनहैप्पी, क्योंकि वो बहुत कम एक्साइटेड होना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि लाइफ सीरियस है, मे बी सैड भी। मेलंकली लोगों को अगर ये एहसास हो जाए कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं, तो वो खुद को सुधार सकते हैं। सैंग्विन लोगों को ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन आपको हैप्पी रहने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेलंकली इंसान में एक प्रॉब्लम और होती है कि वो प्रॉब्लम को डिस्कवर करने में लगा रहता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो प्रॉब्लम को डिस्कवर ही ना करें। मेलंकली हर सेंटेंस को बोलने से पहले उस पर अच्छी तरह सोचते हैं और पहले से ही प्लान कर लेते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। यही रीजन है कि वो हर बात का डीपली एनालिसिस करते हैं और हिडन मीनिंग की तलाश करते हैं। वो सबसे ज्यादा इसी में परेशान रहते हैं। जब आप दूसरे लोगों के नेचर के डिफरेंस के बारे में समझने लगेंगे, तो आपके दिमाग से एक हैवी बर्डन हट जाएगा। तब आपको शायद पहली बार ये रियलाइज होगा कि सैंग्विन कॉलरिक इंसान आपके पीछे नहीं पड़े हैं। वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करके खुद ही अपसेट हो जाते हैं। फिर उनके साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि वो अक्सर लोनली फील करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें सोशल इवेंट्स में क्यों नहीं बुलाया जाता। एक्चुअली आपको बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन आप अपने नेगेटिव रिएक्शन से लोगों को दूर भगा देते हैं। मेलंकली लोग नेगेटिव थिंग्स से फैसिनेट होते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जब कोई पर्सन नेगेटिव थिंग्स पर ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च करता है, तो वो इजीली सैडनेस का विक्टिम बन सकता है। मेलंकली को पॉजिटिव थिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब उसे लगे कि वो किसी भी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो उसे उन थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग किसी भी बात से जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं, इसलिए नेगेटिव लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि वो इजीली हर्ट ना हो। मेलंकली इंसानों को ज्यादातर पॉजिटिव थिंग्स की खोज करनी चाहिए। हर चीज में उन्हें पॉजिटिव साइड पर ध्यान देना चाहिए। मेलंकली लोग उस क्रिटिसिज्म को भी संभाल कर रखते हैं जो किसी ने उन्हें नहीं दी होती। अगर उन्हें रूम में कहीं अपने नाम का जिक्र सुनाई देता है, तो उन्हें बिलीव हो जाता है कि लोग उनकी ही बुराई कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट सैंग्विन पर्सन फील करते हैं कि अगर उनके बारे में कोई बात हो रही है, तो वो अच्छी होगी। वो एक पुरानी कहावत में बिलीव करते हैं, पब्लिसिटी कभी बुरी नहीं होती। मेलंकली रेडियो के डायल की तरह होता है, जिस पर नेगेटिव स्टेशन अटैच्ड होता है। इसलिए मेलंकली लोगों को हमेशा पॉजिटिव थिंग्स पर ध्यान देना चाहिए। फ्लोरेंस सजेस्ट करती हैं कि ऐसे लोगों को उनकी लिखी बुक ब्लो अवे द ब्लैक क्लाउड्स पढ़नी चाहिए। एक सेल्फ हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प और स्पिरिचुअल हेल्प के एरियाज की एक डेप्थ स्टडी है। इसे पढ़ने के बाद सभी नेचर के लोग डिप्रेशन के बारे में समझ जाएंगे। ये बुक स्पेशली मेलंकली लोगों की हेल्प करेगी। तो आइए अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे कि हम कॉलरिक लोगों को कैसे थोड़ा शांत कर सकते हैं। कॉलरिक पर्सनालिटी को सही करने का तरीका। कॉलरिक नेचर के लोग अपने बचपन से हर हाल में जीतना रहे, वो एम्बैरेसिंग हार सीट का तरीका खोजें। इसको कुछ समझ मेलंकली को अच्छा मानकर हैं। उन्हें यही लगता है कि लोग बात करा मान सकते हैं, क्योंकि उनका बेसिक ओपिनियन ये होता है कि वो राइट। मेलंकली लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कमी सुधारने की कोशिश नहीं करते। हमेशा रीजन देकर ये प्रूव करते हैं कि उनमें कमी है ही नहीं। वो दूसरों को गलत साबित कर देते हैं। अगर मेलंकली अपने हार्श को ऐड कर लें, तो उससे जल्दी प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हैं, क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड होते हैं और उन्हें खुद को प्रूव करना होता है कि अगर वो डिटर्मिन हो जाएं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉलरिक काम को लेकर क्रेजी होते हैं। यही रीजन है कि वो काम को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए उन्हें रिलैक्स करना भी सीखना चाहिए। कॉलरिक लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि वो हार्ट अटैक के कैंडिडेट होते हैं, इसलिए उन्हें आराम से रहना सीखना चाहिए। फ्लोरेंस आगे लिखती हैं कि उन्होंने खुद को अपनी बिजी लाइफ से रेस्ट करने के लिए फोर्स किया और आज वो डिसिप्लिन्ड हो चुकी हैं। अगर वो घर से बाहर भी हैं, तब भी वो 10 बजे से पहले सोने चली जाती हैं। अगर वो किसी पार्टी में भी हैं, तो भी गुड नाइट बोलकर सोने निकल जाती हैं। कॉलरिक इतना एक्टिव होता है कि उनमें लेजीनेस नहीं होती, लेकिन उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि उसे हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनली अचीवमेंट की इच्छा रखने के कारण कॉलरिक इंसान सबसे ऊपर रहता है, चाहे वो आदमी हो या औरत। ऐसे लोग अपने गोल्स को अचीव करने के पीछे भागते रहते हैं। जिस तरह से वो खुद काम करते हैं, उसी तरह से वो दूसरों से भी काम कराने का प्रेशर बनाते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलरिक इंसान को सबसे ज्यादा अपने रेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें रेस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। काम के लिए क्रेजी लोगों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि उन्हें दूसरे नेचर के लोगों की तरह एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम से प्यार करते हैं, लेकिन उनको बाकी लोगों से ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती। इस बात ने रिसर्चर्स को सरप्राइज कर दिया कि उन्हें काम में मजा आता है, लेकिन ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए उन्हें पीस के लिए टाइम निकालने की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर उनके जॉब में ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन्हें एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना चाहिए और साथ ही उन्हें किसी न किसी तरह से रेस्ट करने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कॉलरिक हमेशा हर चीज में अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी अनाकिक भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों की लीडरशिप में भी रहना सीखना चाहिए। कॉलरिक इंसान को सोशल सिचुएशंस में ढलना सीखना चाहिए। इनकी एक और प्रॉब्लम होती है कि ये वीक लोगों को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि सोचते हैं कि दूसरे इनकी तरह क्यों नहीं होते। इसी वजह से ये दूसरों को इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, किसी को भी वीक मान लेते हैं। उनकी सुपीरियॉरिटी का ये एटीट्यूड उनके सबॉर्डिनेट्स को साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचा सकता है। जब कॉलरिक इंसान बाकी नेचर के बारे में समझ लेता है, तो वो अपनी लीडरशिप को डिफरेंट नेचर्स के लोगों के हिसाब से ढाल सकता है।
अगर वो दूसरे नेचर्स के बारे में इग्नोरेंट रहेगा तो वो अपने आसपास कॉलरिक लोगों को ही रखेगा और कमजोर लोगों को पीछे कर देगा। कॉलरिक इंसान दूसरे से काम करवाने में मास्टर होते हैं और उन लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता कि उनके साथ होशियारी की गई है। सैंग्विन इंसान लोगों से काम करवाने के लिए अट्रैक्शन का सहारा लेता है, जबकि कॉलरिक इंसान होशियारी या ट्रिक का इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली सैंग्विन इंसान भी अपने अट्रैक्शन का यूज करके चालबाजी करता है, लेकिन वो लोगों को नीचा नहीं दिखाता। कॉलरिक इंसान लोगों से बिहेव करना नहीं जानते, उन्हें इसके बारे में पेशेंटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये लोग बाय नेचर इम्पेशेंट होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि ये एक प्रॉब्लम है तो वो इस वीकनेस को दूर कर सकते हैं। वो लोग बिना मांगे एडवाइस भी देते हैं, इसलिए उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक न मांगी जाए तब तक एडवाइस न दें। कॉलरिक अपनी पॉलिसीज को फोर्सफुली मनवाना चाहते हैं, क्योंकि कॉलरिक इंसान क्विकली सोच लेता है कि वो राइट है और वो जो कर रहा है वो भी राइट है, इसलिए वो अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों पर प्रेशर बनाता है। वो लोग आर्ग्यू बहुत करते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट से प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। कॉलरिक खुद को इतना सही मानते हैं कि वो कभी भी अपनी गलती की माफी नहीं मांगते, लेकिन उन्हें ये सीखना चाहिए कि जब भी गलती हो उसे एक्सेप्ट करें, उसकी माफी मांगें और एक्सेप्ट करें कि उनमें भी फ्लॉज हैं। इससे उनकी पर्सनैलिटी एनहांस होगी। राइटर फ्लॉरेंस का कहना है कि अगर कॉलरिक इंसान अपना दिमाग खुला रखकर अपनी वीकनेसेस की तलाश करे और ये स्वीकार करे कि उसमें कुछ फ्लॉज हैं, तो वो वैसा ही आइडियल पर्सन बन सकता है जैसा वो खुद को मानता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि फ्लेगमैटिक इंसानों को कैसे मोटिवेट करें। फ्लेगमैटिक इंसान को मोटिवेट करना सीखें। जिस तरह से हर नेचर के इंसान में स्ट्रेंथ्स के साथ साथ वीकनेसेस भी होती हैं, उसी तरह से फ्लेगमैटिक इंसानों में भी हिडन स्ट्रेंथ्स होती हैं, जिनकी वजह से उनकी वीकनेसेस क्लियरली दिखाई नहीं देती। कॉलरिक अपनी स्ट्रेंथ्स को सबके सामने क्लियरली कह देता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स भी क्लियर होते हैं और ओपनली सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्लेगमैटिक इंसान अपने सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट दोनों रूपों को छुपा कर रखता है। बहुत से फ्लेगमैटिक इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इतने काम और काइंड होने के बावजूद उनसे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लेगमैटिक इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि उनकी वीकनेसेस क्लियरली विजिबल नहीं होती। वो गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं डूबते, उन्हें बस एंथुसियाज्म नहीं दिखता। वो किसी भी टेंशन को अंदर ही अंदर लिए रहते हैं, वो इजीली डिसीजन नहीं ले पाते, इसी वजह से उन्हें अपने फॉल्स समझ में नहीं आते, इसलिए उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत भी महसूस नहीं होती। फ्लेगमैटिक इंसान रोमांचक नहीं होते, इसलिए उन्हें एंथुसियास्टिक बनने के लिए ट्राई करना चाहिए। कॉलरिक वुमन फ्लेगमैटिक मैन की ओर अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसका कामनेस न्यूट्रैलिटी वुमन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वहीं कॉलरिक मैन फ्लेगमैटिक वुमन को इसलिए चुनता है क्योंकि वो वुमन सॉफ्ट हार्टेड होती है, उसे हार्श और झूठी दुनिया से सेफ रखने की जरूरत होती है। जब फ्लेगमैटिक लोगों को ये पता चलता है कि एंथुसियाज्म ना दिखाकर वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो अपनी इस एबिलिटी से लोगों को कंट्रोल करने लगते हैं। जब दूसरे लोग उसे एक्साइट करने की कोशिश करते हैं तो वो लोगों की इन हरकतों पर अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं। एक सैंग्विन यंग वुमन फ्लॉरेंस के सेमिनार में बताती हैं कि उसका हस्बैंड इतना काम और क्वाइट है कि वो आर्ग्यूमेंट के दौरान भी सो जाता है। उसके हस्बैंड के साथ जीना किसी टॉक शो के होस्ट का रोल प्ले करना है। वो घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। जब वो उसे पूछती है कि आपका क्या नाम है डियर, तो भी वो कुछ नहीं बोलता। वो बताती है कि अगर वो उससे कुछ बुलवा ले तो वो खुद को लकी मानती है, क्योंकि फ्लेगमैटिक इंसान किसी भी चीज के बारे में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते। प्रॉब्लम्स और एक्साइटमेंट से बचने का एक शॉफायर तरीका यह है कि दो फ्लेगमैटिक लोगों की आपस में शादी करवा दी जाए। इस तरह से काम सेटिस्फाइड जितने कपल्स को फ्लॉरेंस जानती हैं, उनकी आपस में अच्छी पड़ती है। उनकी जिंदगी शांति के प्लेन एक्सेस पर घूमती रहती है, लेकिन अक्सर ऐसे कपल्स को ये कहते पाया गया है कि वो अब ऐसी लाइफ से बोर हो चुके हैं। वहीं दूसरी लेडी बताती है कि उसकी शादी को एक साल हो चुके हैं और उनके पास कहने या करने को कुछ बचा ही नहीं। वह हर रात को अपने हस्बैंड से पूछती हैं, तुम क्या करने की सोच रहे हो? वो जवाब देता है कि आई डोंट केयर। जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तो वो भी कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि आखिर उन्हें क्या करना है, इसलिए उनके पास ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। एक और लेडी बताती है कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, उनके अपने हस्बैंड से पटती है, क्योंकि जब वो उससे फ्रेम टांगने के लिए कहती हैं उसका जवाब यस होता है और फिर वो भूल जाता है। वो इतनी काम और कंटेंट हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर एक आदमी कहता है कि जब वो और उसकी वाइफ एक साल पहले एक घर में रहने आए तो वो अपने डाइनिंग रूम के फर्श को चेंज करना चाहते थे, फिर बाद में भूल गए। बाद में वो ऐसा करने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपस में खुश हैं। फ्लेगमैटिक इंसान चेंज को रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो इतने कम्फर्ट जोन में जी रहे होते हैं कि वो अपनी लाइफ में चेंज लाना ही नहीं चाहते। ये उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें कोई नया काम करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्लॉरेंस एक लेडी के बारे में लिखती हैं कि उसका हस्बैंड एक दिन घर आया और उसे कहता है कि कपड़े चेंज कर लो क्योंकि वो उसे बाहर ले जाने वाला है। इतना सुनकर उसकी वाइफ एक्साइटेड हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने, इसलिए उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो उसे कहाँ ले जाने वाला है। उसका हस्बैंड जवाब देता है, डस्टबिन क्लीन करने के लिए मॉन्टगोमेरी की ओर चलना है। जब फ्लॉरेंस उस लेडी से पूछती है कि फिर उसने क्या किया, तो वो बताती है कि वो रेडी होकर उसके साथ चल देती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने कई महीनों बाद ये सबसे एक्साइटिंग चीज सोची थी। फ्लेगमैटिक नेचर के लोगों को एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरों को भी इसकी जरूरत नहीं है। फ्लेगमैटिक लोग लेजी दिखते हैं, वो काम को अवॉइड करते रहते हैं, वो हर काम से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपनी इस हैबिट को छोड़ना चाहिए। जो काम उन्हें आज करना है उसे कल पर न टालें। इसके लिए बेस्ट थिंग यही है कि खुद को मोटिवेट करें,
फ्लोरेंस फ्लेगमैटिक लोगों को सजेस्ट करती हैं कि उन्हें नो कहना सीखना चाहिए। अपनी नो न कहने के हैबिट की वजह से वो काफी सारी फालतू चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि वो सेल्समैन को नो ही नहीं कह पाते। इसलिए नो कहना सीखें और डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करें। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि जब एक ही इंसान में दो पर्सनालिटीज हों तो उसे क्या करना चाहिए और कौन सी पर्सनालिटी कॉम्बिनेशंस बेस्ट होते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें। दो नेचर का कॉम्बिनेशन। हर इंसान में यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। हर इंसान में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। वैसे ही कभी कभी एक ही इंसान में दो नेचर मिक्स्ड होते हैं। कॉलरिक नेचर मेलेंकली नेचर का सिनर्जी कॉम्प्लीमेंट होता है। एक ऐसा मैच है जो बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। दोनों नेचर के मिलने से दोनों की आपसी कमी का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कॉलरिक प्लस मेलेंकली नेचर वाला इंसान बेस्ट बिजनेसमैन बनता है क्योंकि उसमें कॉलरिक नेचर वाले इंसान की लीडरशिप, एंथुसियाज्म और गोल ओरिएंटेड क्वालिटीज होती हैं। वहीं मेलेंकली नेचर वाले इंसान की एनालिटिकल, कॉन्शियंस और पंक्चुअलिटी जैसी क्वालिटीज होती हैं। ये सिनर्जी इनविंसिबल होती है। कोई भी चीज इस ब्लेंड के लिमिट से बाहर की नहीं होती। ऐसी नेचर कॉम्बिनेशन वाले लोग श्योरली सक्सीड करेंगे। भले समय लग जाए लेकिन सक्सेसफुल होना तो पक्का तय है। दूसरा सप्लीमेंट ब्लेंड है सैंग्विन और फ्लेगमैटिक नेचर का। सैंग्विन और फ्लेगमैटिक दोनों आराम की जिंदगी बिताना चाहते हैं और मजे करना चाहते हैं। रिलैक्स्ड और ह्यूमरस नेचर के तालमेल की वजह से सैंग्विन और फ्लेगमैटिक सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनके एक्साइटेड, काम, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। फ्लेगमैटिक नेचर सैंग्विन नेचर के अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करता है, जबकि सैंग्विन पर्सनालिटी फ्लेगमैटिक पर्सनालिटी को एक्साइट करती है। पब्लिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग अच्छे एम्प्लॉई, पेरेंट्स और लीडर्स होते हैं क्योंकि उनमें सैंग्विन का ह्यूमरस अंदाज और फ्लेगमैटिक की स्टेबिलिटी होती है। अभी तक तो हमने नेचुरल और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस के बारे में जाना। अब हम इनवर्स यानी ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे। अगर एक इंसान में सैंग्विन मेलेंकली नेचर है या कॉलरिक और फ्लेगमैटिक नेचर है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का होना तय हो जाता है। एक नेचर इंट्रोवर्टेड होता है, दूसरा एक्सट्रोवर्टेड होता है। एक का एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक है, दूसरे का पेसिमिस्ट। दोनों के ब्लेंड में सैंग्विन मेलेंकली से ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि एक ही बॉडी में सैंग्विन हर मोमेंट के अप्स एंड डाउन्स और मेलेंकली के डीपर थॉट्स रहते हैं। इस वजह से इनमें इजिली बैलेंस नहीं बन पाता। इस फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी यानी स्प्लिट पर्सनालिटी से इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सैंग्विन नेचर कहता है लेट्स हैव फन, यानी आओ चलो एंजॉय करें, लेकिन बीच में ही मेलेंकली नेचर प्रोग्रेस को स्टॉप कर देता है। आगे फ्लोरेंस एक लेडी का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि उसने एक बार अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी का प्लान बनाया। उसके सैंग्विन नेचर ने पार्टी के लिए कई ग्रेट आइडियाज भी सोच लिए थे, जिनमें नए तरह के इन्विटेशन कार्ड का डिजाइन, पार्टी थीम और ऑर्केस्ट्रा शामिल थे। लेकिन पार्टी के दो दिन पहले उसके मेलेंकली हिस्से में आगे आकर उसे मना कर दिया। उसने कहा कि तुम इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में क्यों पड़ रही हो, परेशानी होगी इससे तुरंत बाहर निकल आओ। उसका इफेक्ट इतना बड़ा था कि लेडी ने उस पार्टी को कैंसिल कर दिया और फिर वो कई हफ्तों तक इस बात पर दुखी थी कि उसके इस डिसीजन से उसके पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। फ्लोरेंस ने इस तरह के लोगों पर डेप्थ के स्टडी करने के बाद पाया कि यूजुअली ये पास्ट के ट्रॉमास के कारण आने वाली रिएक्शंस होते हैं। फ्लोरेंस इसे मास्क ऑफ प्रोटेक्शन यानी बचाव के नकाब कहती हैं। कई बार कॉलरिक इंसान अपने काम में पूरी एनर्जी झोंक देता है, फिर घर लौटने तक वो इतना टायर्ड हो चुका होता है कि उसकी उंगली तक उठाने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसके अंदर के फ्लेगमैटिक इंसान को लगने लगता है कि घर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो उसके लिए हार्ड वर्क करे। फ्लेगमैटिक बच्चा कंट्रोल नहीं करना चाहता और यूजुअली उसका बिहेवियर सबसे अच्छा होता है। फिर वो बच्चा पावर का नकाब ओढ़ता है और कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो अपनी फैमिली की सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होते हुए देखता है और सोचता है किसी न किसी को तो इसे सही करना ही होगा। एक फैमिली में अक्सर जो पेरेंट घर पर नहीं रहता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बच्चे पर डाल दी जाती है। अगर वो बच्चा फ्लेगमैटिक है तो वो कॉलरिक का मास्क पहन लेता है, अपने फ्लेगमैटिक नेचर को दबाने की कोशिश करता है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। एक अडल्ट के रूप में वो असेंशियल सिचुएशंस में ही कंट्रोल कर लेता है और मौका मिलते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर रेस्ट करने लगता है। वो हमेशा टायर्ड रहता है और ये नहीं जानता कि वो अंदर से इतना टूटा हुआ क्यों फील कर रहा है। अगर आप में कॉन्ट्रास्ट नेचर्स का ब्लेंड है तो बचपन की अपनी फीलिंग्स को याद करें और समझने की कोशिश करें कि उन एक्सप्लेनेशन से आपको क्या समझ आया। अगर आप में सभी नेचर्स की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज हैं तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। उन्हें आप अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। यही कारण है कि आप फ्लेगमैटिक नेचर के हैं और आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। आप रोल मॉडल हैं, आप सक्सेस के टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बचपन में इतने कंट्रोल्ड, गाइडेड या सप्रेस थे कि अब तक ये नहीं समझ पाए कि आप हकीकत में क्या हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल मायने नहीं रखती। बस आपको ये समझना है कि इम्पोर्टेंट लेबल नहीं है, इम्पोर्टेंट तो आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आपकी ये समझ डेवलप हो जाती है तो आप किसी भी पर्सनालिटी के साथ अच्छे से जी सकते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने, पर्सनल प्लान बनाने और अपनी स्ट्रेंथ्स का आकलन करने से क्या फायदे होते हैं। ऑपोजिट नेचर वाले के साथ जीना सीखें। हम अपनी लाइफ में चाहे जो करें हमारा सिस्टम हमारे साथ चलता है।
हम उतनी ही दूर तक जा पाते हैं जहां तक हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जब हम खुद को समझ लेते हैं और अपने नेचर के प्रति सच्चे बन जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उन लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते और हमसे अलग लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हमारा नेचर कुछ और होता है और हमारी शादी किसी और नेचर के इंसान के साथ हो जाती है। हम हनीमून के दौरान ही सोचने लगते हैं कि सामने वाला कितनी जल्दी हमारे सिस्टम से एडजस्ट करना सीख ले। कभी कभी एक ही बेड पर सोने के बावजूद हम एक दूसरे से अनजान होते हैं। फ्लोरेंस एक लड़की का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि वो पूरी तरह से मेलंकली थी, लेकिन उसकी हर चीज परफेक्ट थी। उसके हेयर, उसके मेकअप, नेल्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहे थे। वो एक एयरलाइन में एयर होस्टेस थी। एक इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान उसके एक इंसान से मुलाकात हुई। वो सैंग्विन पर्सनालिटी का था। वो अपनी बातों से उस लड़की का दिल जीत लेता है। दोनों में प्यार हुआ और कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ ही दिनों तक साथ रहने के बाद उस लड़की को रियलाइज हुआ कि वो जिसके कारण उस पर्सन से अट्रैक्ट हुई थी, वो तो उसके ऑपोजिट नेचर का है। इसका मेन रीजन ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें इमीडिएटली एक छोटे से बॉक्स में पहुंचा दिया जाता है। उस स्मॉल स्पेस को दीवारों से घेर दिया जाता है। बाद में उसमें एक छोटी सी विंडो बना दी जाती है जिसके थ्रू हमारे प्यारे रिलेटिव झांक कर हमारे हेल्पलेस चेहरे को देख सकते हैं। वो बॉक्स हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, लेकिन फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें चार दीवारी के पीछे वाले कोर्टयार्ड में घूमने फिरने की फ्रीडम दे दी जाती है। फिर जब कुछ और बड़े होते हैं तो क्लासरूम के एक छोटे से कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर एक साल तक टीचर के सुपरविजन में उसमें सेफली रहते हैं। ठीक इसी तरह हमारा बॉक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब हम बड़े होते हैं और दुनिया में एंटर करते हैं तो अपने बॉक्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन नेचर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेने से हमें उस बॉक्स से निकलने में हेल्प मिलती है। हमारे पैर आजाद महसूस करते हैं, फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने आप को किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। इसी तरह से हमें अपने बचपन के बने बॉक्स से निकलने का भी रास्ता मिलता है। जब हमें रियलाइज होता है कि हमारी वीकनेसेस ने हमें किस तरह से कैद कर रखा है, तो हम दरवाजा खोलने और उस बॉक्स से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। ठीक इसी तरह से वो लड़की समझ गई कि उसका हस्बैंड आज भी अपने चार दीवारों वाले बॉक्स में कैद है। वो उसके लिए किसी काम को रिजिस्ट नहीं करती, वो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है। जब हम उन लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, जो हमसे ऑपोजिट लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो हम उनके साथ जीना सीख जाते हैं। फिर आगे फ्लोरेंस लिखते हैं कि हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी किसी भी तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में आपका फर्स्ट स्टेप अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करना होता है और फिर उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप अपने फॉल्स को फाइंड आउट करने में लेट करेंगे और उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप उनके बारे में कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर हम सालों से कोई चीज गलत कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट करने से हमारा प्राइड हर्ट होता है, तो हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये पर्सनल डेवलपमेंट के डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है। इमेच्योर पीपल अपने फॉल्स के लिए पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर, बच्चों, फ्रेंड्स और सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बन पाते जो अक्सर बनना चाहते हैं। वही मैच्योर पर्सन खुद का एग्जामिन करता है, अपने फॉल्स का पता लगाता है और उन्हें दूर करने के काम में लग जाता है। अगर आप अपने किसी बिहेवियर को लेकर कंसर्न हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए कि आपका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ये डिस्कवर करने के लिए आपको अपने बचपन के पेन और रिजेक्शन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस डिस्कवरी का पर्पस किसी को ब्लेम करना नहीं, बल्कि खुद को समझना होना चाहिए और उसे सही करने के प्रोसेस को शुरू करना होना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर इंसान को खड़े होकर अपना नाम बताकर यह एक्सेप्ट करना होता है कि आई एम एन अल्कोहलिक, यानी मैं शराबी हूँ। जब तक कोई इस बात को बोलकर एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उसका इलाज कंप्लीट नहीं हो सकता। यही फॉर्मूला हमारी दूसरी वीकनेस पर भी अप्लाई होता है। हम अपनी किसी ऐसी वीकनेस को दूर नहीं कर सकते जिसे हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते। पहले आप अपने नेचर को समझें, फिर उससे होने वाली एक्सट्रीम चीजों को एक्सेप्ट करें। जैसे मैं सैंग्विन नेचर का हूँ लेकिन मैं कंटिन्यूअसली बोलता रहता हूँ। मैं मेलंकली नेचर का हूँ लेकिन मैं जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं कॉलरिक नेचर का हूँ लेकिन मैं डोमिनेटिंग और इम्पेशेंट हूँ। मैं फ्लेगमैटिक नेचर का हूँ लेकिन मुझमें एंथुसियाज्म की कमी है। जब आप इस तरह से बोलकर किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें दूसरों के ओपिनियन को लेने से क्या बेनिफिट मिलता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो हमें अपनी फैमिली से हेल्प मांगनी चाहिए और ट्रू ओपिनियन को एनकरेज करना चाहिए। दूसरों से ओपिनियन लेते रहें। सबसे पहले तो आपको अपनी वीकनेसेस को इवैल्यूएट करना चाहिए। मेलंकली और फ्लेगमैटिक को अपनी स्ट्रेंथ्स के इवैल्यूएशन में दिक्कत आ सकती है, जबकि सैंग्विन और कॉलरिक को अपनी वीकनेसेस का इवैल्यूएशन करना अच्छा ही नहीं लगता। उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि उनके अंदर कोई वीकनेस या फॉल्ट है ही नहीं। इसी वजह से वो अपनी वीकनेसेस को इवैल्यूएट नहीं कर पाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नेचर कैसा है, लेकिन अपनी वीकनेसेस के बारे में डीपली और ऑनेस्टली जरूर सोचें। फिर आप अपनी उन तीन वीकनेसेस को लिखें जिनमें इम्प्रूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप अपनी वीकनेसेस को लिख लेते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ जाता है। जब आप अपनी तीनों वीकनेसेस को दूर कर लें, तो फिर यही प्रोसेस रिपीट करें। ये प्रोसेस तब तक करें जब आपको इसकी जरूरत महसूस न हो। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को रियली ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो दूसरों से हेल्प मांगने में बिल्कुल भी हेजिटेट न करें। अगर आप दूसरों से ओपिनियन मांगते हैं और उनको पेशेंटली सुनते हैं, तो आपको अपनी वीकनेसेस दूर करने में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप में थोड़ी और करेज है और लोगों से अपनी वीकनेसेस के बारे में आप ओपनली बात करते हैं, तो आप वो इंसान बन सकते हैं जो आप रियली बनना चाहते हैं।
आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी के किसी एक एस्पेक्ट पर काम करना हो तो आपके हिसाब से मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आप वो काम करें जिसे करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो। जब आप किसी से ये क्वेश्चन करते हैं और वो अपनी ओपिनियन आपको देता है तो आप उन्हें कभी भी जवाब न दें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई बुरी या कड़वी लग सकती है, क्योंकि कभी कभी लोग ओपिनियन तो मांगते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। सामने वाले के लिए आप पागल तो है नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम जैसे सेंटेंसेस का यूज करके वो खुद को सही ठहराने लगते हैं। जब भी किसी से ओपिनियन मांगे कभी भी खुद को डिफेंड ना करें, उसे केयरफुली सुने, उन्हें थैंक्स कहें और उससे मिलने वाली ओपिनियन के बारे में विचार करें। कभी कभी हो सकता है कि आपको लोग बिना मांगे भी एडवाइस या ओपिनियन दें, हो सकता है कि आप उन्हें सुनने के बाद एक्साइटेड न फील करें, लेकिन आपको उन पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर उनकी उस एडवाइस या ओपिनियन में थोड़ी भी सच्चाई है तो उसे एक्सेप्ट करें। आप खुद को जितना चेंज कर सकते हैं उतना चेंज करने की कोशिश करें और बाकी की बातों को इग्नोर कर दें। खुद को इम्प्रूव करने का ये बेस्ट तरीका है। यूजुअली नेगेटिव कमेंट्स में थोड़ी बहुत सच्चाई होती है और मचाव बनने के लिए हमें क्रिटिसिज्म को डिग्निटी और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर फ्लोरेंस आगे लिखते हैं कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प मांगनी चाहिए। सीखने की इच्छा से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता, स्पेशली जब आपकी फैमिली का कोई इंप्रूवमेंट की बात करे तो उसकी बातों को थैंक्स के साथ एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आपको अपनी फैमिली वालों की बातों से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप में इच्छा नहीं है तो आपको उनसे एडवाइस मांगने में प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को सुनना ही नहीं चाहते। जब वो किसी चीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो वो दूर भाग जाते हैं। एक्चुअली वो आपके अपने हैं, आपको वो आपकी कमियां बताकर आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको अपनी फैमिली की बातों पर गौर करना चाहिए। उनसे हेल्प मांगने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बस आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से सपोर्ट पाने के लिए डिसाइसिव डिटर्मिनेशन करने की जरूरत होती है। कभी कभी जब आप अच्छी एडवाइस को नहीं मानते, कोई आपकी वीकनेसेस को बताता है तब आप उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तो आप अपने आसपास फेक लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जान जाते हैं कि आपका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, आपको बस आपकी तारीफ अच्छी लगती है। आपके कॉलीग्स जानने लगते हैं कि आप किस बात से नाराज होते हैं और किस बात से खुश होते हैं, इसलिए वो आपको खुश करने वाली बातों को ही बोलते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाकर ढोते रहते हैं। कुछ लोग तो अपने चारों तरफ इतनी थिक वॉल खड़ी कर लेते हैं कि कोई उनके अंदर के रियल नेचर को जान ही नहीं पाता। अक्सर ऐसा करने के पीछे उनका इंटेंशन भी यही होता है कि कोई उन्हें जान ना पाए, और यही कारण है कि वो खुद को अच्छा मानकर चलते रहते हैं। जब आप अपने बेसिक नेचर को समझ जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को असेस कर लेते हैं, तो आप अपनी प्रोटेक्टिव वॉल में एक डोर बना लेते हैं जिससे कोई भी अंदर आ सकता है, आपकी वीकनेसेस को देख सकता है, उन्हें बता सकता है। फिर आप खुद को और दूसरों को रियलिस्टिक तरीके से एक्सेप्ट करने लगते हैं। इससे आप ये भी सीख जाते हैं कि प्रॉब्लम्स के आने से पहले उनका अंदाजा कैसे लगाएं, फिर उन प्रॉब्लम्स के क्रिएट होने से पहले ही आप उनसे निपट सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को बड़ी होने से पहले ही छोटी छोटी बातों से डील कर लेंगे तो इससे आपका कितना स्ट्रेस और पेन कम हो सकता है। तो आप इस चैप्टर की बताई गई बातों पर विचार करें और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें, फिर देखें आप एक आइडियल लाइफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे सैंग्विन और मेलेंकली के रिलेशनशिप के बारे में। अच्छी मैरिड लाइफ के लिए अपने पार्टनर के नेचर को समझें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो लोगों की शादी होती है तो उनकी क्वालिटीज को आपस में मैच करवाया जाता है। शादी से पहले हमें एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज देखने की टेंडेंसी होती है। हम ये मान लेते हैं कि सामने वाले में जो थोड़ी बहुत बेसिक वीकनेसेस हैं वो खत्म हो जाएंगी जब उसे मेरे जैसे इंस्पायरिंग पर्सन के साथ रहने का चांस मिलेगा। फ्लोरेंस अपनी मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखती हैं कि ऐसा सोचना अलग बात है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। जब वो पहली बार अपने हस्बैंड से मिली थी तो वो उनकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हुई थी, क्योंकि उन्हें सोशल ओकेजंस पर होने वाले गॉसिप्स पसंद नहीं थे, इसलिए उन्हें फील हुआ कि अगर उन्होंने उनसे शादी कर ली तो वो उनकी तरफ से बातचीत कर लेंगी। वो बताती हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्हें उनके हस्बैंड की मेलेंकली पर्सनालिटी और स्टेबिलिटी नजर आ गई थी। वो ये भी जानती थीं कि वो उनकी लाइफ को ट्रैक पर ला सकती हैं और उन्होंने ऐसा किया भी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट हुए थे, हालांकि वो उस वक्त की बात नहीं जानते थे, लेकिन वो दोनों ही अपनी पर्सनालिटी की कमियों वाले हिस्से को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों आइडियल थे जो एक आइडियल मैरिज चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी की प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटी के बारे में विचार तक नहीं किया। उनकी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग गलत साबित हुई। शुरुआत में तो दोनों खुद को सही मानते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन दोनों में गुड के साथ साथ बैड क्वालिटीज भी हैं। सब कुछ समझने के लिए उन्हें 15 साल का समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करना पड़ा। तब जाकर उन दोनों को समझ में आया कि उनका लाइफ पार्टनर डिफरेंट नेचर का है, और ये भी समझ में आया कि डिफरेंट नेचर का ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। शुरू में तो उनकी मैरिड लाइफ में कई स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते थे। वो बताती हैं कि हनीमून से लौटने के एक हफ्ते बाद वो दोनों एक मूवी देखने गए। जब वो मूवी देखकर बाहर निकले तो फ्लोरेंस ने अपने हस्बैंड फ्रेड से कहा कि चलो चलकर एक आइसक्रीम खाते हैं। उन्हें लगा कि फ्रेड को ये आइडिया रोमांटिक लगेगा, लेकिन फ्रेड ने जवाब दिया, ये मेरे प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। एक्चुअली तब उन्हें नहीं मालूम था कि फ्रेड एवरी मॉर्निंग 7 o'clock एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो पूरे दिन की एक्टिविटी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। जब फ्लोरेंस उनसे कहती हैं कि एक्चुअली उन्हें मॉर्निंग 7 o'clock की बात नहीं मालूम थी कि उनका रात को 11 बजे आइसक्रीम खाने का मूड बनेगा, अगर उन्हें ये बात मालूम होती तो वो 7 o'clock ही बता देती और आप अपने प्लान में उसे इंक्लूड कर लेते। उसके बाद वो सीधे घर चले गए। फ्लोरेंस को लगा कि अब ये शादी एंजॉयबल नहीं होगी। स्टार्टिंग से ही उनके बीच टूथपेस्ट जैसी छोटी चीज को लेकर प्रॉब्लम होने लगी थी। फ्रेड को लगता था कि ट्यूब को नीचे की तरफ से सफाई से प्रेस करना चाहिए, जबकि फ्लोरेंस को हमेशा लगता था कि बस ट्यूब को उठाकर कहीं से भी प्रेस कर दो।
फ्रेड हमेशा ट्यूब के गड्ढों को फिक्स करते रहते थे और ढक्कन को क्लीन करते रहते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सब फ्रेड फ्लोरेंस को बिना बताए करते रहते थे। सैंग्विन और मेलेंकली की शादी में एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि सैंग्विन को पता ही नहीं होता कि वो कोई काम गलत कर रहा है और मेलेंकली प्रॉब्लम को क्लियरली बताना नहीं चाहता। वो चुपचाप सामने वाले की गलती को ठीक करता रहता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि सैंग्विन कभी ना कभी एक दिन जरूर समझ जाएगा। जब सैंग्विन इंसान को सिग्नल समझ नहीं आते तो वो सोल्यूशन के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। जब तक मेलेंकली को लगता है कि उसे इस बारे में कुछ करना होगा, सैंग्विन की गलतियों को सही करते करते उसकी फीलिंग इतनी टेंस हो जाती है कि एक स्मॉल इशू एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की नेचर को समझ लेते हैं तो उनकी यही समझ उन्हें आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकती है। ऑपोजिट पोल्स डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं तो आपकी सिनर्जी सही होती चली जाती है, लेकिन जब हम अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझते तो हम वीकनेसेस पर फोकस करने लगते हैं और ये फील करने लगते हैं कि मुझसे डिफरेंट पर्सन गलत ही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। सैंग्विन इंसान को प्रेशर पसंद नहीं होता, लेकिन जब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है तो वो काम नहीं कर पाता जिसे करने का उसने प्रॉमिस किया था। फ्रेड और फ्लोरेंस को अपनी मैरिड लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन दोनों को ऑर्गेनाइज होना और एंजॉय करना सीखना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये सक्सेस इसलिए अचीव की क्योंकि वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते थे। वो अपनी मैरिड लाइफ के कुछ सालों बाद ये रियलाइज कर चुके थे कि उन्हें अपने अपने बिहेवियर में चेंज लाने की जरूरत है। बस आप ये समझ लें कि आप अपनी न्यू आइडेंटिटी तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप किसी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होंगे। प्यार एक पर्सनैलिटी को दूसरे से ब्लिसफुली कनेक्ट करता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जान जाएंगे कि अगर हम चाहें तो लोगों के डिफरेंसेस को पहचान सकते हैं और समझदारी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। चारों नेचर के लोगों से डील करना सीखें। आई होप अब तक की बुक समरी में आपने चारों नेचर यानी पर्सनालिटीज के बारे में समझ लिया होगा। जब आप चारों के बारे में समझ लेते हैं तो आपके सामने पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप का एक नया वर्ल्ड दिखाई देने लगेगा। आप उन सीखे गए प्रिंसिपल्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप चारों पर्सनालिटीज के बारे में जान लेते हैं तो आपको किसी के भी नेचर को यानी पर्सनालिटी को समझने में आसानी होगी। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में सभी नेचर के लोगों की जरूरत है। सभी पर्सनालिटीज बेस्ट होती हैं, लेकिन उन्हें समझ लेने से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सैंग्विन नेचर के इंसान जब भी किसी ग्रुप या पार्टी में एंटर करते हैं तो वो लोगों का अटेंशन चाहते हैं। वो उस तरफ ज्यादा भागते हैं जहां उन्हें ज्यादा क्राउड दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा ऑडियंस को खोजते रहते हैं जो उनकी सुन सके और उनकी तारीफ कर सके। वो खुद को सबसे बेटर मानते हैं। मेलेंकली भी खुद को बेस्ट मानते हैं। वो डिटेल्स और डीप रिफ्लेक्शन में डूबे रहते हैं, रिकॉर्ड्स, चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करते रहते हैं और उन्हें सेव करके रखते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के एनालिसिस में खोए रहते हैं। कॉलरिक इंसान उन कामों में लगे होते हैं जिनमें इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, उन जगहों पर होते हैं जहां इमीडिएट एक्शन और अचीवमेंट की जरूरत होती है। उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां फर्म कंट्रोल और अथॉरिटी की जरूरत होती है। वहीं फ्लेगमेटिक लोग मेडिटेशन और यूनिटी बनाने की सिचुएशन को समझने में लगे रहते हैं। ये काम और साइलेंट रहते हैं। मोनोटोनस टास्क और रूटीन्स इन्हें बहुत पसंद है। जब आप सारी पर्सनालिटीज के बारे में जान लें तो आपको इस नॉलेज का यूज करना चाहिए और पब्लिक बिहेवियर के अपने स्टाइल को इम्प्रूव करने का प्लान बनाना चाहिए। हर नेचर की बॉडी लैंग्वेज, कॉन्वर्सेशन और सोशल बिहेवियर का अपना स्टाइल होता है। जब आप भी नेचर को समझने और परखने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप किसी पर्सन के कमरे में एंटर करते ही उसकी पर्सनालिटी को इंस्टेंटली पहचान सकते हैं। दूसरे के नेचर को समझना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग आपको ऑपोजिट नेचर के मिलेंगे, जिनके साथ आपको काम करना है, लाइफ स्पेंड करनी है। फ्लोरेंस नेचर और पर्सनालिटी को समझने के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताती हैं। सैंग्विन नेचर के लोग पार्टी में गर्म जोशी से एंटर करते हैं। वो चाहते हैं जब वो एंटर करें तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। सैंग्विन लोगों की तरह ही कॉलोरिक लोगों को भी चैन से बैठने में डिफिकल्टी होती है। वो अपनी चेयर के एज पर बैठे रहते हैं और काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कॉलोरिक इंसान हर सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो आपको जरूरत से ज्यादा बातें बताकर खुश होते हैं। वो बड़बोले होते हैं। उनमें दूसरों को अनाड़ी मानने की टेंडेंसी होती है। वो कुछ पेट सेंटेंसेज यूज करते हैं, जैसे मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी, ध्यान रखो फूल, ऑफकोर्स नॉट, जाहिर है सिर्फ एक इडियट ही इस तरह बात कर सकता है, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें कोई चीज नहीं आती, अगर तुम्हें थोड़ा भी दिमाग होता तो तुम समझ जाती कि मैं राइट हूं। जब आप कॉलरिक इंसान को पहचानना सीख लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि सोशल सिचुएशन में इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। उनसे डील करने के कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं, जैसे उनसे टफ क्वेश्चंस पूछें और ये शो करें कि आप उनके आंसर्स से इंप्रेस्ड हैं। अगर आप लाइफ के बारे में उनकी स्पेशल नॉलेज को सुनकर वाइसली से ढिलाने लगेंगे तो वो आपको स्किल्ड ऑडियंस मानेंगे। वहीं मेलेंकली इंसान जोर से बोलने वाले सैंग्विन और कॉलरिक लोगों से ऑपोजिट होते हैं। वो क्वाइटली या बिना शोर के रूम में एंटर होते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान न जाए। वहीं मेलेंकली वुमेन को लगता है कि उन्होंने गलत कपड़े पहन लिए हैं। मेलेंकली इंसान अपने हाथ को जेब में डालकर ग्रुप के बाहरी कॉर्नर के आसपास खड़ा रहता है। जब तक कि कोई उसे बैठने के लिए ना कहे तब तक वो बैठता नहीं। वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता और ना ही किसी को कंप्लेन या क्रिटिसाइज करने का चांस देना चाहता है। मेलेंकली इंसान में अक्सर सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी होती है, इसलिए वो कुछ सेंटेंसेस का अक्सर यूज करता है, जैसे इस पूरे प्रोजेक्ट से कोई होप नहीं है, मेरा लक ही ऐसा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मैं स्टार्टिंग से ही जानता था कि पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैं जानती थी मैंने खराब कपड़े पहने। मेलेंकली इंसान को तेज आवाज में बोली गई बातें पसंद नहीं होती और अगर आप उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे तो उसे ये बात भी बुरी लगेगी।
सैंग्विन इंसान की तरह वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाना चाहता। इसके बजाय वो एक पूरी शाम एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन में ही स्पेंड कर देना चाहता है। फ्लेगमैटिक इंसान हल्की हंसी के साथ धीरे धीरे ये सोचता हुआ आता है कि इतने सारे लोग इस इनसिग्निफिकेंट इवेंट में क्यों आए हैं। वो ग्रुप की तरफ एक उड़ती हुई नजर डालता है और उम्मीद करता है कि उसे नींद नहीं आएगी। वो पैडेड सोफे पर बैठता है और स्लोली उस पर स्प्रेड हो जाता है। वो पूरी शाम यॉनिंग यानी जम्हाई लेता रहता है। हो सकता है कि वो एक दो बार झपकी भी ले ले। ऐसे लोग अक्सर कॉमन सेंटेंसेस यूज करते हैं जैसे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, दुनिया में ऐसा ही होता है, हमें फालतू में एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा हमेशा से होता आ रहा है, हम इसे क्यों चेंज करें, आई डोंट केयर। जब आप पर्सनालिटीज के बारे में अच्छे से जान और समझ लेते हैं तो पब्लिक प्रैक्टिस में आप सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, दूसरों के पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज को समझ सकते हैं, आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। दूसरों से बिहेव करना सीखें। अभी तक की बुक समरी में हमने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया। हम बेटर बनने की ओर चल पड़े हैं, लोगों की पर्सनालिटी के बारे में भी सोच समझ गए हैं। अब हमें बस यही समझना है कि हमें दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। जब आप सैंग्विन पर्सनालिटी को समझ लेते हैं तो आप यही चाहते हैं कि हर सैंग्विन इंसान खुद को इम्प्रूव करे, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हमें रियलिस्टिक बनना पड़ सकता है। सैंग्विन इंसान नए आइडियाज और लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन उन पर अमल करने के मामले में वो थोड़े वीक हैं। अगर आप सैंग्विन इंसानों को वॉच कर रहे हैं तो आपको उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। आपको उन्हें बताना होगा कि काम इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि आप अगर उनसे किसी काम को अर्जेंट बताकर करवाएं तो अच्छा है। इसके बाद आपको उन्हें सुपरवाइज भी करना होगा, जब तक कि आपको ये कॉन्फिडेंस न हो जाए कि वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि वो बिना सोचे बोलते हैं तो आप उनकी बातों को ईजिली समझने लगते हैं, फिर आप उनकी उन्हीं बातों को सीरियसली लेंगे जो आपके काम की होंगी। अगर आपका रिलेशन किसी सैंग्विन इंसान से है तो उसे औकात से ज्यादा वादा करने से रोकें। सैंग्विन इंसानों के इंटेंशंस अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो अपने वादों के बर्डन के तले दब जाते हैं तो इससे वो ज्यादातर लोगों से दूर भागने लगते हैं और फिर ऐसे में लोग उन्हें बुरा समझने लगते हैं। सैंग्विन इंसान हमेशा चाहते हैं कि वो कुछ नया करते रहें, वो जॉयफुल सिचुएशन में ही बेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप एडवेंचर और वैरायटी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ का एक मोमेंट भी मोनोटोनस न हो, तो आप एक सैंग्विन पर्सन को अपना हस्बैंड या वाइफ चुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें गिफ्ट्स और नए टॉयज बहुत पसंद होते हैं, वो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में भी प्लेजर खोज लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई मेलंकली इंसान आ गया है तो सबसे पहले ये जान लें कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसे जल्दी ही कोई बात हर्ट कर सकती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी की ये क्वालिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि इसी वजह से मेलंकली इंसानों को इमोशनल नेचर मिलता है। लेकिन टू मच हो जाने पर अपने इमोशंस के कारण वो इजिली हर्ट हो जाते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उनसे सॉरी बोलकर माफी मांग सकते हैं। उनसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ भी ना बोलें। आप ये जान लें कि उनकी प्रोग्रामिंग उनके पेसिमिस्टिक एटीट्यूड से होती है, इसलिए कभी कभी वो अपने पेसिमिस्टिक एटीट्यूड की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो अपनी लाइफ को सैड बना लेते हैं। इसलिए आप उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स पर नजर रखें। अगर वो लाइफ में इंटरेस्ट की कमी दिखाएं, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की बात करें तो इस पर गौर करें। आप समझ जाएंगे कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। जब भी वो दुखी हों तो उन्हें खुश करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें ये फील करवाने की कोशिश करें कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं या समझती हैं। उनके साथ उस सैडनेस और डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करें। उनकी सच्चाई और प्यार को हमेशा अप्रिशिएट करते रहें। ये जान लें कि वो कई बार पीस पसंद करते हैं, तो उन्हें पीसफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें। अगर आप सैंग्विन नेचर के हैं तो आप इजीली नहीं समझ पाएंगे कि मेलंकली इंसान को साइलेंस बहुत पसंद होता है। वो ब्लैंक स्पेस में घूरना, फ्रेश एयर में सांस लेना, मूनलिट नाइट में मेडिटेट करना पसंद करते हैं, इसलिए आप उन्हें इन सब चीजों को करने से न रोकें। उन्हें क्लिनलीनेस बहुत पसंद होती है, इसलिए इस पर ध्यान दें। और अगर आपका लाइफ पार्टनर मेलंकली है तो आप थैंक्स बोलें कि आपका लाइफ पार्टनर सेंसिटिव और इमोशनल है। अगर आपको कॉलरिक इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले तो ये जान लें कि वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। कॉलरिक इंसानों के साथ तालमेल बैठाने के लिए आपको पहली बात ये समझ लेनी है कि वो अपने नेचर की वजह से कंट्रोल करना अपने आप सीख जाते हैं। वो फ्लेगमैटिक इंसान नहीं है और वो मेलंकली इंसान भी नहीं है जो प्लान बनाकर डिटर्मिनेशन के साथ काम में जुट जाएं। सैंग्विन भी नहीं है जो किसी तरह काम में जुट जाएं। कॉलरिक इंसान ऐसे लोग होते हैं जिनमें बचपन से ही गाइड करने और लीडरशिप में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन आप ये समझ लें कि वो इंटेंशनली अपनी बात नहीं मनवाना चाहते। वो तो बस इमीडिएट सिचुएशंस का लॉजिकल आंसर देख लेते हैं और मान लेते हैं कि आपको सही जवाब चाहिए। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेंगे तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे और साथ ही आप उनका सम्मान करेंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर आप कॉलरिक इंसान के इशारों पर नाचते रहेंगे तो वो आपको कंटिन्यूअसली नचाते रहेंगे। ये भी जान लें कि कभी भी उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं होता है। अगर किसी कॉलरिक इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्मूथली चल रहा है तो उसे किसी चीज के लिए छेड़े नहीं। जैसे बच्चे जल्दी ही सीख जाते हैं कि कॉलरिक पेरेंट्स को ज्यादा परेशान करने का रिस्क न लिया जाए, ये जान लें कि कॉलरिक इंसान हमेशा सही होते हैं। वो सबसे जल्दी सही डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए अगर आप इस बारे में अनश्योर हैं कि किधर जाना है तो कॉलरिक इंसान को फॉलो करें। अगर आपका लाइफ पार्टनर कॉलरिक इंसान है तो आप थैंक्स कहें कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो कि हमेशा सही होता है।
अगर आपको एक फ्लेगमेटिक इंसान के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलता है तो आप समझ लें कि उन्हें डायरेक्ट इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। फ्लेगमेटिक लोग दुनिया के सबसे रिलैक्सिंग और हैप्पीएस्ट लोग होते हैं, लेकिन उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत होती है। उन्हें ऐसे पेरेंट या लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है जो उन्हें एनकरेज करे और गोल सेट करने में उनकी हेल्प करे। उनसे कभी भी एंथुसियाज्म एक्सपेक्ट न करें। किसी काम को पोस्टपोन करना उनके हैबिट में शामिल होता है, इसलिए कभी भी उन्हें किसी काम को करने के लिए फोर्स न करें बल्कि मोटिवेट करें। क्योंकि वो कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते इसलिए उन्हें डिसीजन लेने के लिए फोर्स करें। उन्हें ये चांस दें जिससे वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। उनके बैलेंस नेचर को अप्रिशिएट करें। आई होप अब आप इन चारों पर्सनालिटीज के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी चैप्टर की ओर।